खुश बहुत, रहो बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड मतलब अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना तो जो भी होता है दिन भर अच्छा ही लगता है ग्रेट ग्रेट तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन भी काफी अच्छा होगा हां एक्सपेक्टेशन रहे ना कोई खराब बात नहीं है गलत एक्सपेक्टेशन खराब बात है हां एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो इंसान तो जिएंगे ही नहीं हमें तो डेली हर मिनट में एक्सपेक्टेशन है मगर एक्सपेक्टेशन कौन सा गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा हम लोग धीरे धीरे क्लास तक चलते हैं क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं <clears throat> आज जैसे हमें मालूम है आज एक ओपन क्लास है सब ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे हम ये किए हैं इन्फॉर्म जो किए है वेरी लास्ट मोमेंट Uh, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज्यादा होगा उसमें कभी ऐसा भी करेंगे पहले से इन्फॉर्म करके आएंगे सो ओपन टू ऑल क्लास है आज हम लोग टू द पॉइंट बहुत अच्छा से बहुत एक इम्पोर्टेंट क्लास है आज मुझे लगा कि ठीक है आप लोगों की टीचर के हिसाब से तो काम करती हूँ कभी कभी हम सोसाइटी के लिए सोच के करना चाहिए राइट बहुत लोग कर नहीं पाते अनोल मगर हाँ ये फॉल्ट हुआ है कि और भी आगे बोलना चाहिए था लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन हुआ है तब जाके हम लोग किए हैं आज का क्लास सो so, मैं, मैं एक्सपेक्ट हाँ थिंग आई एम नॉट एबल टू व्यू माय स्क्रीन इज माय वीडियो इज ऑफ इज देर प्रॉब्लम विद माय स्क्रीन या योर योर स्क्रीन प्रॉब्लम अदरवाइज एवरीबॉडी इज शोई हा नाउ आई एम सीइंग यू I'm not able to uh, see myself on the screen. I think we don't know it's. I just, just me. sandhya no? Yeah. Should I log out and log in again? Ah, uh, yeah. Please log out and log in, and just open your camera first. Uh, I uh in the settings I have to change something. Nee, 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 nee. One thing you do. You pl please come. Them down of screen left. There one uh, camera sign is there. You just touch the uh, camera. एकदम लेफ्ट लेफ्ट नीचे एकदम लेफ्ट में नीचे स्टॉप वीडियो इट्स शोइंग हाँ स्टॉप वीडियो टच द वीडियो हाँ इट स्टार्टेड अगेन हाँ सो अभी दिख रहा है ना नहीं नहीं आ, uh, मेरा पिक्चर नहीं दिख रहा है तो so, आप थोड़ा लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए शायद मैम uh -huh. uh, अनिका बोलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू तो मैनिफेस्ट ইনফ্লেশন আপনি বলেছিলেন সল্ট ইন আ পেপার র্যাপ বাট আমি সল্টটা নিয়েছি ইন আ একটা বাটিতে চলবে না পেপার এনে দেয় পেপার তাহলে ওটাকে বাটি থেকে আবার ছোট পেপারে নিয়ে নিব কাগজে কাগজে টুকরোর মধ্যে একটু সল্ট নিয়ে কারণ ওটা একটু মুভ করাতে হবে মাথার উপর ও তাহলে বাটি থেকে তাহলে পেপার র্যাপ এখন নিয়ে নিব আচ্ছা আচ্ছা এখন নাও যখন বলবো তখন নাও আচ্ছা 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 मैम मैम यू आर प्लीज ओपन अच्छा सो आज के क्लास में एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे क्योंकि ओपन है क्लास सब लोग हैं सो so थोड़ा सा मन लगा के सुनेंगे सीखेंगे मिडिल में बात कम करेंगे क्लास का रिदिम खराब मत करेंगे वो आज बोल के नहीं डेली के लिए बोल रही हूँ आज तो स्पेशली बोल रही हूँ मे बी YouTube में अपलोड हो सकते हैं ठीक है आई एम नॉट श्योर सो आप लोग बहुत अच्छा से क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम लोग डिसीजन लिए हैं। बहुत लोग आज नहीं कर पाएंगे तो अगर जरूरत है तो कर पाएंगे हम लोग आप यूट्यूब में अपलोड करेंगे बट अभी तक वो डिसीजन नहीं हुआ है देखा जाएगा सो so, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं आज के क्लास की जो एक्चुअल जो न्यू है उन लोगों को ली वेलकम जो मुझे मेरे साथ आज सामने फर्स्ट मेरे सामने आज क्लास कर रहे हैं उन लोगों को तो फर्स्ट वेरी वेरी मैंने एकदम दिल से आप लोगों को वेलकम है आप लोग सुनिए सीखिए आज क्लास मन लगा के कीजिए क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट यू कैन आस्क बट जो अदर चीज होता है उसको सुनिए एंड कोई चीज में आपका कंफ्यूशन हो या बोलना हो प्लीज नोट डाउन क्लास के आखिर में दस मिनट टाइम दिया जाएगा जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है Middle में इंटरप्ट मत कीजिए ठीक है अभी जो बात है हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की जैसे क्लास का हम पहले ही जानते हैं क्या टॉपिक लेके क्लास हुआ आज है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब्रुअरी आज एक फुल मून है फेब्रुवरी महीना का लास्ट फुल मून है इसके बाद जो भी फुल मून आएगा नॉर्मली इक्लिप्स के साथ आएगा ग्रहण के साथ आएगा अंडरस्टूड अब तक जो है उसमें कोई एक्लिप्स नहीं है विदाउट एक्लिप्स आज का फुल मून है अंडरस्टूड अच्छा फुल मून में स्पेशली आप सोचोगे कि टिया मैम ये फुल मून का जो मैनिफेस्टेशन कराते हैं वो तो हर बार ही कराते हैं लेकिन तो हर बार स्पेशल स्पेशल होता है आज समझेंगे कौन सा फुल मून कौन सा राशि के ऊपर डिपेंड करके कौन सा साइन के ऊपर डिपेंड करके हम फुल मून हो रहा है उसके हिसाब से मैनिफेस्टेशन होता है जैसे इस बार है फुल इन फार्गो वर्ग कन्या राशि किस एलिमेंट होता है आर्ट एलिमेंट सो आर्ट से रिलेटेड चीज के ऊपर हम करेंगे मैनिफेस्टेशन अभी आप अगर बोलोगे मैं मैं ऑलवेज बोलती मैनिफेस्टेशन ऐसा एक चीज है इसमें मुझे बेलिफ लेना है पेपर लेना है वाटर लेना है अनोल लेना है वो वो चीज एनर्जी को इनहेंस करते हैं असली जो मैजिक होता है या आपका इधर होता है मैं ऑलवेज बोलती हूँ सिक्स इंच की खेल है एवरीथिंग यू कैन चेंज आपका ये सिक्स इंच से जितना लड़ाई बाहर की लड़ाई कुछ लड़ाई नहीं है एवरीथिंग योर अंदर की लड़ाई ये जो ट्विन फ्लेम है ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों में बहुत लोग है जो, जो बाहर से भी आए हैं जानना ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग जो फाइट कर रहे हो आप लोग ट्विन से फाइट कर ही नहीं रहे हो जो लोग ऑलरेडी मेरा ट्विन फ्लेम स्टूडेंट है वो जानते हैं ट्विन से आप फाइट कर ही नहीं रहे हो आप फाइट करो अपने आप से ट्वीन इज इन साइड ऑफ यू आउटसाइड ट्वीन इज योर इल्यूशन बाहर की ट्वीन आपके लिए इल्यूशन की काम करते हैं वो दर्द देगा वो आपको सिखाएगा वो आपको खुश कर खुश कर सकते हैं दर्द दे सकते हैं तोड़ सकते हैं जला सकते हैं सब कुछ कर सकता है मगर आपके अंदर एक जीत पैदा कर देगा करना तो है ही

डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके नहीं जाएगा कैसे लेके जाएगा वो आपको दर्द देगा वो आपको सिखाएंगे सब कुछ कर सकता है एस पर योर कर्मास्टरियल कर्मा टू नॉट ओनली योर कर्मा इट्स योर एनसिस्टरियल कर्मा टू आपका पूर्वज की कर्मा भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम सब जर्नी में कैरी करते हैं ट्विन फ्लेम में बहुत ज्यादा कैरी करते हैं हेलो यस

so the thing so, is, the thing is, thing is, thing is, thing is the... क्या हो रहा है ऑलवेज जानना कि मेरा मन में अगर मैं कंट्रोल में रखू अपने मन को कैसे मैं मन को कंट्रोल में रखू अगर मैं सोचू नहीं मुझे ट्विन के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है नहीं मुझे ये चीज के लिए या बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा सोच रही हूँ याद इंसान का ना एक गजब सा एक

ऑलवेज याद रखना कि मैनिफेस्टेशन अगर आपकी जिंदगी में बार-बार ट्राई करके भी नहीं हो रहा है तो 100% आप कहीं ना कहीं पास्ट की प्रॉब्लम में फंसे हुए हो आज हम क्लास में पास्ट को बहुत जगह से हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे जैसे आप लोगों को मैं सिखाई थी ना कि कपड़ा जो अलमारी में रखा हुआ कपड़ा एक्सट्रीम हो सकता है कि जो बहुत सारा कपड़ा मैं पहनूंगी पहनूंगा करके रख चुके हो जब पतले होंगे तब पहनेंगे जब ये होगा तब पहनेंगे करके हम रख देते हैं पहनते भी नहीं है किसी को देते भी नहीं है आप कही कहीं ना कहीं एनर्जी को स्टक कर रहे हो मेल बॉक्स में मेल भरपूर पड़ा है हाँ क्लीन करेंगे मैसेज में भरपूर पड़ा है व्हाट्सएप में भरपूर आज जाके अननेसेसरी हर चीज को पहले आज जाके तो आलमारी क्लीन नहीं कर सकते कम से कम मैसेजेस जो है अननेसेसरी मैसेजेस डिलीट कर दीजिए अननेसेसरी व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट कर दीजिए करके देखिए रिलीज क्या होता है जो लोग कर चुके हैं उन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि रिलीज की एनर्जी क्या बहुत अच्छा से हम लोगों के अंदर आते हैं पुराने कपड़े आजकल ना भी हो बाद में ना रिलीज करने की कोशिश कीजिए पुराने किचन में मैं बार बार बोलती हूँ डब्बा ये वो जो यहाँ पे होम ऑल नहीं रख दे रख दे रख दे ठीक है बाद में यूज होगा जरूरत नहीं है उसको आउट कर दो क्योंकि इंसान का एक टेंडेंसी होता है ऑलवेज पास्ट लेके सोचना फोटो क्यों खींचते हैं? पास्ट को लेके हम जिएंगे। अरे इस टाइम में भाई ये जो नजारा है ये फर्स्ट पॉइंट मैनिफेस्टेशन का लिव इन प्रेजेंट ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता क्योंकि मैं अगर टेक्निक करके आपको छोड़ दू ये है तो ठीक है कोई बात नहीं है मैं कर सकती हूं मगर उसके आपका ये नहीं होगा उसमें आपका मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं इम्पोसिबल आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा उसमें अंडरस्टूड तो बात क्या होता है आपको पास्ट को क्लीन करना है अगर मैं बोल दू कि ये ये पास्ट को क्लीन कीजिए जिंदगी में नहीं कर पाएंगे वो वाला पास्ट को क्लीन ऐसा पास्ट नहीं क्लीन कर पाएंगे आपको दूसरा दूसरा तरीका से करना होता है जैसे मैसेज को क्लीन कर दिया हम मैसेजेस जो है हम इनबॉक्स कर क्लीन किया हम पुराने कपड़े को हर चीज करते 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 एक स्टेप आएगा जहां पे हम लोग पुराने यादें को भी छोड़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें ऑलवेज जीना है नहीं तो पास्ट में नहीं तो प्रेजेंट फ्यूचर में हम जीते ही नहीं है प्रेजेंट में इसीलिए जब भी मैं मेडिटेशन कराती हूँ क्या करती हूँ आप लोगों को बोलती हूँ कि हाथ देखो पैर देखो अपना होर्ड्स देखो अपना लिप्स देखो अपना आईज देखो क्यों उस मोमेंट पे आप लोगों को प्रेजेंट में लेके आ, आ जाता है अंडरस्टूड इसीलिए होता है ठीक है अच्छा रुकिए आप लोग अच्छा, so, क्या point बोल रही Never look past. ये आपको प्रैक्टिस करना है देखना कोई भी अच्छा अच्छा जगह जाने की टाइम में आप लोग फर्स्ट क्या बोलते हो मैम रिकॉर्डिंग ऑन करो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए क्योंकि लेके की सोचना ही तो नहीं है ऐसा मैं क्लास का रिकॉर्डिंग देती हूँ बाकी कौन देगा कोई का क्लास का रिकॉर्ड नहीं देगा आप लोगों का टेंडेंसी क्या होता है खाली रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग दो आप लोग प्रेजेंट में सीखते ही नहीं हो अगर आपको मालूम होता कि ये जो प्रेजेंट है ये कम टाइम का है इसको पास्ट बना के सोचना नहीं है ये जो मेरा दिमाग में चला गया बस उससे मैं सीख लूंगी सीख लूंगा नहीं है खाली रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग दो उसके पीछे ज्यादा है कोई जगह घूमने जाइए देखना ऑलवेज टेंडेंसी क्या होता है टेंडेंसी होता है फोटो खींचने का कैमरा की नजर से दुनिया को देखेंगे खुद की नजर से भी तो देखो ऐसा बहुत सारा फोटोज है हम खोल के भी नहीं देखते दुनिया भर का फोटो खींचने के लिए तो मारा मारी करके मर जाएंगे उसके बाद खोल के भी नहीं देखते और नहीं तो क्या होता है अरे बचपन कितना अच्छा था मेरे साथ मेरे मम्मी थे मेरे साथ मेरे पापा थे आज मैं आज ये थर्ड मार्च को नेक्स्ट संडे को मेरे पापा का टेन इयर्स का डेट एनिवर्सरी है बहुत कम उम्र में खोया है आजकल पहले एक टाइम था अरे पापा थे क्या था आज एक टाइम है जहां पे मुझे मालूम है जहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस है ये जन्म ये मृत्यु काल का नियम है टाइम की नियम है इसको हम कोई बचा नहीं सकते ना मैं ना मेरे पापा ना आप लोग कोई नहीं बच सकते इससे उस जगह पास्ट लेके नहीं पड़े रहेंगे जितना दिन जिनको रहना है वो मेरा रिलेशनशिप में किसी का अगर डिवोर्स हो रहा है अरे टीम मैम तो बड़े बड़े बात करते हैं तो हस्बैंड के साथ अच्छे हैं और हम लोगों को डिवोर्स हो रहा है नहीं वो तो एज पर योर कर्म एज पर योर कॉन्सियस खाली कर्म कर्म नहीं बोलूंगी कितना होता है यहाँ पे बहुत लोगों का आप लोगों का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजिकली बोला गया है डिवोर्स हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपको खराब हो जाएगा आपका नौकरी नहीं मिलेगा आप लोगों को उसके बाद मिले हैं सिर्फ और सिर्फ आपके आपको बैलेंस करके क्यों नहीं हो सकता खुद की एनर्जी को बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई मैं मैनिफेस्टेशन uh, कर रही हूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मैं पास्ट लेके नहीं सोचूंगी या नहीं सचूंगा क्योंकि पास्ट में ऑलवेज इंसान को स्टक हो जाता है पास आगे नहीं आगे नहीं जाने देंगे आपको मैं तो इतना बड़ा राजा थी मैं तो जमींदार था मेरे फैमिली तुम क्या हो भाई आज तुम कौन सा जमींदार हो अनिका मालूम है बांग्लादेश से जो हम लोगों में जो बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं सब बोलते हैं हम लोग का इतना बिघा बिघा जमीन था इतना जमींदार थे इतने बड़े बड़े जमींदार यहाँ पे आके तुम्हें इतना हालत खराब क्यों हो गया बांग्लादेश में इतना जमीन इतना जमीन जो बांग्लादेश का टोटल स्क्वायर फीट से ज्यादा इन लोगों का ही जमीन था सब जमींदार थे बांग्लादेश में ये एक एक है मतलब पुराने सच में ऐसा भी नहीं कि सबका नहीं है बहुत लोगों का था भी मगर बात जो है तुम आज क्या हो मैं लास्ट तक सुनी हूँ मेरे मादर इन लॉ बोल रहा है मैं तो नेताजी सुभाष बोस की ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर हूँ अरे भाई वो तो हो हंड्रेड परसेंट हम रेस्पेक्ट करते हैं उस ब्लड को एंड ऑल नेता होगा उसे रिंगो हो जाके बोले आई आई टी में ले लो मैं तो उस फैमिली की हो ले लेगा नहीं होगा ना ये चीज मानना पास्ट कोई काम नहीं करेगा पास्ट पे लेसन ले लो, बस अंडरस्टूड तो ये बहुत बड़ा है काम पास्ट को छोड़ना और को क्या -क्या कारण में आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है आप ट्विन को करो ट्विन की मम्मी को करो पापा को करो किसी को भी करो ठीक है अपना जॉब को करो जो भी होगा और एक मेजर कारण है कॉम्प्लेन मोड यू आर ऑलवेज इन कॉम्प्लेन मोड आपको ऑलवेज कॉम्प्लेन होता है आप बाहर के लोगों से कॉम्प्लेन करते हो खुद से कॉम्प्लेन करते हो

एनर्जेटिकली और अवेकनिंग स्टार्ट हो गया उनका अवेकनिंग इतना डेट में स्टार्ट हो गया इनका अवेकनिंग इतना डेट में स्टार्ट स्टार्ट हो गया गजब का बने अवेकनिंग की मतलब ही पता नहीं एक्चुअली जो बच्चे पैदा होता है एक्सट्रीमली अवेकन होके आज आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू सिखाऊंगी उसके बाद ऑन अवेकन होना स्टार्ट होते हैं जब परिवेश से नेचर से गलत गलत चीज सीखते हैं एक बंगाली में कविता है रविन्द्रनाथ को लेके रविन्द्रनाथ टेगोर का लिखा हुआ नहीं है रविंद्रनाथ की प्रति बोल के एक है उसमें एक, एक माने मॉडर्न यह है उसमें मैं पढ़ी थी पहले जब छोटा था मैं तब मेरा जिंदगी में हेलो हेलो ठीक है ठीक है बार बार ना आप लोग वीडियो ऑफ करना है कीजिए मगर बार बार निकल मत जाइए तो क्लास का प्रॉब्लम हो जाता है ठीक हाँ? है ओके ठीक है अच्छा सो द थिंग इज पहले इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कॉम्प्लेन मोड में भी नहीं रहना है मैक्सिमम केस में हम लोग कॉम्प्लेन मोड में रहते हैं मैक्सिमम केस में कॉम्प्लेन मोड में रहता है कैसे पहले तो मेरी ऐसा घर में जन्म हुआ मालूम है मेरी मम्मी ठीक से मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया मेरे पापा मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया मेरे भाई बहन मेरे साथ अच्छे बिहेवियर नहीं किया मेरा ट्वीन मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते दुनिया भर का कॉम्प्लेन लेके आप बैठे हो अल्टीमेटली जब आपको डीप माइंड में चले जाएंगे यू आर कॉम्प्लेनिंग योर क्योंकि आप तो एनर्जी हो आप अपने अंदर का एनर्जी को कहीं ना कहीं एक इंसान को लेके मिस्टर ए मिसेस बी मिस्टर सी मिसेस डी आपके घर में है कहीं ना कहीं एज पर योर कार्मिक बैगेजेस कार्मिक बॉन्ड एज पर योर कार्मिक बॉन्ड आप नोटिस करना आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो एनर्जी ऑपोजिट पर्सन को आप देख रहे हो भी रिएक्शन आप देख रहे हो एक ही इंसान आपके फादर एक ही इंसान आपकी मदर बच्चे के लिए अलग अलग नहीं होते हैं मगर पर योर कार्मिक बॉन्ड ऑलवेज नोटिस करना वही इंसान दो बच्चे के लिए दो बिहेवियर कर रहे तो भी ऐसा किया जाता है। वो भी किसी का दोष नहीं है कोई पास से निकाल नहीं पाते कोई पास्ट में लगे रहते हैं देखना भाई बहन में किसी किसी का इतना अच्छा रिलेशनशिप होता है किसी किसी का ऐसा होता है संपत्ति लेके कोर्ट में मिल रहा है क्योंकि वहां पे जो कॉम्प्रोमाइज करने का जो मेंटालिटी है नहीं है एक को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप कौन से हो मैं नहीं बोल रहा प्रॉपर्टी छोड़ दो एक हद तक चीज को ईगो को छोड़ो क्योंकि आप कही कहीं ना कहीं ऑपोजिट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो क्यों मैं मम्मी पापा भाई बहन ये सब लेके बात कर रही हूँ इन लोगों का ओवरऑल जो इम्पैक्ट ये ही आता है आपका ट्विन ट्विन के अंदर तो अंदर तो आपके को दिखाते हैं और कुछ नहीं अगर आप जानते हो दिल से कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूं अपने दिल से अपने सोच से अपनी बिहेवियर से मैं ऑनेस्ट नहीं हूं तो देखना हंड्रेड परसेंट ये होता है आपके साथ जीज ऑनेस्टी दिखाएगा ही मस्ट और क्या बोल रही हूँ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप एक इंसान हो तो आप कभी खराब काम कभ नहीं करेंगे से आपका लॉजिक क्या बोलते हैं इसको एक्चुअली बोल बोला जाता है इगो कॉन्सियसनेस गिल्ट कॉन्सियसनेस आप कुछ काम करके आपके अंदर का गिल्ट पैदा हो रहा है कोई इंसान मिस्टर ए मिस्टर बी ये भी चोरी किया ये भी चोरी किया ये चोरी करके दारू वाड़ू पी लिया मजा किया सब कुछ किया और उसके बाद इनको लगा मैं तो चोरी किया मैं तो चोरी किया मिस्टर ए चोरी किया मगर इनकी मन में है कि मैं घर पलने के लिए चोरी किया गलत कम किए हूँ मगर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था मैं नहीं बोल रही हूं आप लोग भगवान बन जाओ मगर अपने दिल से ऑनेस्ट रहो

कभी जानना इंसान तभी आपको अप्रिशिएट करेंगे जब आप जो बोल रहे हो आपके अंदर ऑनेस्टी रहेगा कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं मैं खुद विश्वास करती हूं मैं कैमरा के सामने प्रैक्टिस करके नहीं जा रही हूं ये क्लास में जस्ट टॉपिक को मैं लिख लेती हूँ कि आज ये ये टॉपिक के लिए बात करूंगी मैं अगर दिल से ही नहीं कर पाऊं तो क्या टीचिंग स्क्रिप्ट मैनिफेस्ट करके स्क्रिप्ट बना के कोई टीचिंग नहीं होता है अंडरस्टूड तो मैनिफेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा कंप्लेन करना छोड़ना पड़ेगा ऐसा एक स्टेट आता है या ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर के लोगों को दे रहे हैं वो तो एक एक जगह में कॉन्शसनेस में है ठीक है डाउन कॉन्शसनेस में कभी-कभी होता है ऐसे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी खुद को दोषते हैं कि मेरे अंदर दोष है मेरे ही अंदर खोट है मेरे ही नसीब खराब है या ठीक है मैं इग्नोर तो कर रही हूँ या कर रहा हूं सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ या मैंने कुछ गलत कर दिया जिसको मैं बोल रही हूँ गिल्ट कॉन्सियसनेस इससे निकालना बहुत जरूरी है इसीलिए और देखिए फिर दूसरा पॉइंट पे आते हैं क्या उन्होंने बोला पास्ट से निकालना पड़ेगा अगर पास्ट से पास्ट लेके आप ज्यादा सोच नहीं रहे हो तो आपको गिल्ट कॉन्सिस्टेंस भी तो नहीं आएगा हो गया हो गया उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते ट्वीन फ्लेम जर्नी में अगर चीज कोई समझ लिया, आपका प्रॉब्लम आधा सॉल्व क्योंकि ट्वीन तब तक ईगो दिखाएंगे ट्वीन तब तक डिजोनेस्टी दिखाएंगे एक तो इंसान का नेचर होता है बट ईगो जो भी दिखा रहा है वो आपकी एनर्जी दिखा रहा है उस एनर्जी को पहले खुद क्लीन कर लीजिए देखिए ट्विन का कितना होता है है अंडरस्टूड तो ये चीज हमें देखना है। अभी फुल पॉइंट में हम आते हैं तो ये दो चीज के ऊपर आज हम मेडिटेशन भी करेंगे एंड इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम नजर रखेंगे क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास्ट uh, को नहीं लेके सोचेंगे और कॉम्प्लेन की जगह से नहीं रहेंगे मेरा मम्मी या ये नहीं है पापा नहीं है पापा का ये खराब है मेरा ये खराब है मेरा जॉब मेरे बॉस मेरे साथ खराब बिहेवियर करता है नहीं आप कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो नोइंगली अननोइंगली ऑलवेज नोइंगली नहीं कर रहे हो अननोइंगली कर रहे हो एंड एज़ पर योर कर्म आपको लेसन लेना है दी कुछ कहना है नहीं। नहीं। दी जैसे पहले तो आपको बता दें अप्लाई कि किया है आज हम हम लोग लोग बात नहीं करेंगे ये में जाएगा ये, ये। अच्छा यूट्यूब में जाएगा तो दीदी आप बता रही है उसमें थोड़ा कुछ पूछना था हाँ बोलिए तो फिर यूट्यूब में जाएगा तो बाद में पूछे फिर बाद ये हो जाएगा Uh, कोई कोई बात करेंगे बाद में दस मिनट का रिकॉर्डिंग ऑफ करके विनिट, दस मिनट दस मिनट हम क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है सो मगर मुझे लगता है लास्ट दस मिनट हम ट्विन को लेके कोई नेगेटिव बात करेंगे नहीं क्योंकि मैनिफेस्ट करके छोड़ रहे हैं हम तो आफ्टर फुल मून ये सब बात हो तो अच्छा ठीक है अब मुझे वॉइस मैसेज भेजिए ठीक है थीके? और अगर टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए मुझे नहीं दी अभी जब ये क्लास ओवर हो, हो जाएगी ना तो हम फेस टू फेस पूछ लेंगे तुरंत नहीं करना इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन कराया जाएगा ना उसके बाद ही आप कोई नेगेटिव बात कुछ पूछेंगे और कुछ प्रॉब्लम की बात पूछेंगे हम प्रॉब्लम से निकालना प्रॉब्लम सोचेंगे नहीं तब प्रॉब्लम की बात जो कि आपने बताया ना एनर्जी को लेके चलिए हम पूछ लेते हैं अभी आपसे मेरे साथ क्या कि जैसे हम अपने हस्बैंड को लेके हमेशा हमें ये सुनने में आता था कि वो सबसे मेरी बुराई करते और बुराई भी इतनी ज्यादा कि मेरे को पता था ऑलरेडी कि अभी ये कहेंगे ये बातें कहते होंगे मींस लगभग आठ साल से हमने किसी के मुंह से नहीं सुना कि वो मेरे लिए एक शब्द भी अच्छा बोलते हों तो अभी क्या हुआ दो दिन पहले मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई उनके कॉल आई मेरे पास मॉर्निंग में तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको पता तो होगा हमने कहा नहीं हमें नहीं पता है तो कहने लगे कि मैं जो है बेटे को चाहता हूँ दिखा दू तो हमने कहा कि नहीं हाँ आप दिखा दो कोई बात नहीं है लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट आपने है कि जो मेरी मदर इन लॉ है उन वॉइस मैसेज में भेजे हुई है सब मुझे हाँ, में मैंने हाँ तो दीदी अच्छा अच्छा तो दीदी मेरे साथ ये हो रहा है कि जैसे हमेशा मेरे को हस्बैंड की तरफ से नेगेटिविटी आती थी लेकिन परसों इन्होंने जब मेरे को मना कर दिया ना कि नहीं तुम तुम मत आना तो उसके बाद हम तो रोए लो फील किया लेकिन परसों रात से हमें खुद को ये फील आ रही है कि मेरे हस्बैंड बहुत गिल्ट में है हमें ये कह के ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि वो जहां सारे रिश्तेदारों को देख रहे हैं सबको देख रहे हैं तो हमको और अपने बच्चे को मिस कर रहे हैं प्लस उनको बहुत अंदर से लग रहा है कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है तो ये क्या मेरा ऐसे ही कंफ्यूजन है कि ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल है पॉसिबल है क्योंकि उनका हीलिंग चल रहा है उनका गिल्ट होगा उनको आपके बिना गिल्ट होना है ये सब कॉमन है ये जो भी हो रहा है बट यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग विथ हिज एनर्जी आप थोड़ा इनकी एनर्जी को कनेक्ट मत कीजिए क्योंकि इनकी गिल्ट अगर हो रहा है तो डिवाइन का काम जो है हम बाकी का सेशन में भी सिखाया जाएगा डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी देंगे या एनर्जी सिकर होंगे मगर उस टाइम में आप अगर वो एनर्जी को कैच करने की कोशिश करे तो उस बिना नाजमा भी बोल रहे थे उनको भी सिखा रही थी मिसिंग फीलिंग एंड ऑल उस टाइम में हमें बिल्कुल डिटैच रहना है इसीलिए इन आवर क्लासेस कराया जाता है अगर मैं उनकी एनर्जी ले लूं तो वो हील्ड फील करेंगे एंड जैसे चल रहे वैसे ही चलेंगे वहां पे अगर वैक्यूम का फीलिंग आए क्योंकि इनको लगा लगता है कि मनीषा तो मेरे पीछे पीछे ही घूमते है मेरे ही पैसा मेरे ही एनर्जी मेरे ही पीछे जिस दिन उस एनर्जी को आप काट कर देंगे उस दिन उनको वैक्यूम फीलिंग होगा कि नहीं मनीषा अभी मेरे पास है ही नहीं नहीं, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं ना कि जाम बोझ के अपने आप को और एक्टिविटीज में लगा रहे हैं क्योंकि वैक्यूम मेरे को भी समझ में आ रहा है आपके पहले वीडियोस में सुना था लेकिन उसके बाद भी ना रोना आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो भी रो रहे हैं और वो रोए हंसे नाचे गाए आपको कोई परवाह नहीं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है एंड खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए हमें ज्यादा उनके लिए नहीं सोच के उस टाइम में ज्यादा अगर ऐसा याद आए उस टाइम में हम ज्यादा इनर्वर्ट करेंगे ओके okay. एनर्जी ठीक हो जाएगी ठीक है अभी हम लोग और बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास की रिदिम खराब होगा आप लोगों को मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आएगा ठीक है सो so, मैं जो बोली हूं कंप्लेन खुद के लिए नहीं ये कंप्लेन नहीं करने का खुद मतलब क्या होता है खुद के लिए भी कॉम्प्लेन होता है ना हम लोगों को ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ बाहर से तो हम सोच लेते हैं सोचिए आज मनीषा जो मेंटल कंडीशन में है इस कंडीशन में अगर बहुत अच्छा कभी-कभी ये जो एग्जांपल है वो आप लोगों के सामने भी आ जाते हैं ये जो मेंटल स्थिति है ये स्थिति में अगर इनको मैनिफेस्टेशन करना हो वो मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगा गिल्ट है उस मैनिफेस्टेश मन में वो बात है कि हाँ इनको दिमाग बोल रहा है कि वो ये फील करे दैट मींस इनका अंदर ये फीलिंग की कमी है कंप्लेन है वो अभी मनीषा को भी समझ में नहीं आ रहा है भगवान सामने के सामने जाके भगवान ये दे दो वो दे दो कभी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करते भगवान के सामने प्रेयर काम नहीं करते हम बोलते हैं ना ये दे दो दैट मीन्स आई डोंट है नहीं इसीलिए मैं क्या बोली हूँ सच में सरेंडर टू गॉड एनर्जी में जब होते हैं हम लोग बोलते हैं ईश्वर तेरे ही इच्छा ही मेरी इच्छा करो जो मेरे लिए अच्छा है कर दो अगर डिवोर्स अच्छा है डिवोर्स अगर जीना अच्छा है जियो जो भी है कर दो ये एनर्जी में जब होता है तब एक्चुअल मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होते हैं ठीक है अच्छा अभी हम सेकेंड बा, बाद के पॉइंट में आते हैं कि ठीक है अभी जो जो पॉइंट हुआ हमें मेन दो पॉइंट बहुत सामने आया एक है कॉम्प्लेन बिल्कुल नहीं करना है और हमें पास्ट को नहीं नहीं देखना है अभी नहीं करना है अभी बिल्कुल करना इसका एक टेक्निक है अभी कितना टाइम है एट नाइन आठ बज के नौ मिनट हुआ है क्लास साढ़े नौ बजे खत्म हो जाएगा एक अलार्म फिक्स कर लीजिए घड़ी में मोबाइल में टुडे नाइन थर्टी कल से नहीं ये स्टोरी नहीं कल से करेंगे आज से करिए टुडे नाइन थर्टी से लेके टुमारो नाइन थर्टी पीएम तक मुझे किसी के लिए कंप्लेन नहीं करना है खुद के लिए भी नहीं दिमाग में आ सकते हैं तुरंत गॉड से सरेंडर कर देंगे गॉड आई एम सरेंडरिंग समझ में आया उसके बाद आप लोगों का जो काम है अगर ये वीडियो अपलोड हो भी जाए क्योंकि सबको यहाँ पे कितना लोग ज्वाइन किया है सेवेंटी फाइव परसेंट ज्वाइन किया है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम ये किए है तो कहीं ना कहीं से अगर आपको लगे कि आप ये जगह से आज वीडियो में भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं क्योंकि इन हैंड्स ऑफ एनर्जी के लिए बोल रहे हो कि आई आई एम टेकिंग द चैलेंज ठीक है एंड कल साढ़े नौ बजे के बाद आप कितना परसेंट इस काम कर किए है कितना परसेंट विनर है उसको भी आप कमेंट में लिख दीजिए आई क्लेम इट नॉट आई आई एम एक्चुअली आई आई एम टेकिंग द चैलेंज ठीक है आज अपलोड हो जाएगा आई एम टेकिंग द चैलेंज लिख दो और इसमें क्या होगा आप लोगों को एक स्ट्रेंथ आएगा इसीलिए कर रही हूँ एंड कल साढ़े बजे के बाद सच में बोलने से हंड्रेड परसेंट नहीं कर पाएंगे बार बार आएंगे खुद के मन में सोचिए कि कितना परसेंट मैं कर सकती हूँ उसको लिखिए देखिए तो और उसमें कमेंट इसीलिए बोल रही हूँ व्हाट्सएप में आएगा तो मैं देखूंगी इसमें आएगा आप लोगों को सबका देखा जाएगा कि मैं दूसरे से कितना अप्स एंड डाउन में हूं और आप चुपचाप देखोगे ऐसा नहीं आपका भी एनर्जी दूसरे को दिखाइए अगर टू परसेंट है कोई शर्म नहीं यही जाके कुछ हफ्ते की बाद हंड्रेड परसेंट हो जाएगा नाइनटी परसेंट हो जाएगा सच बोलिए सच लिखिए चैलेंज दिया हमें जस्ट इलामी नहीं हाँ हाँ Actually, इसको क्या है हमें ऑलवेज कॉम्प्लेन रहता है दूसरे के लिए जिस कारण मैनिफेस्ट नहीं होता कॉम्प्लेन रहता है कि कोई ये खराब है वो खराब है अदरवाइज खुद के लिए कॉम्प्लेन रहता है मैंने ये नहीं किया मैंने वो नहीं किया या कुछ भी नहीं करके मन के अंदर ही कॉम्प्लेन होता है आज मैं बहुत लेजी हूं क्यों हूं ये हूं ऐसा बहुत सारा चीज कॉम्प्लेन में होता है एंड ये द मेजर कॉज हम नहीं तो मैंने बोला पास्ट में जीना फोटो खींचना पास्ट में जीना यू क्यों नहीं हुआ ये क्यों नहीं हुआ जिनका वही अभी बोल रहे थे हम पूरा जिंदगी जीवन मृत्यु का खेल है कोई अगर डेथ कैसे हो गया ये कैसे हो गया हर चीज भगवान की हथ से है हम कुछ नहीं कर सकते उसमें एंड साथ ही साथ और क्या है यहाँ पे टेकिंग चैलेंज करके फायदा नहीं है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोल रही हूँ ये कमेंट नहीं यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ठीक है यूट्यूब का कमेंट सेक्शन बोल रही हूँ नॉट हियर ठीक है यहाँ पे लिखे है बहुत अच्छी बात है मेरे पास रहेगा मगर ये यूट्यूब की बोल रही हूँ ठीक है तो बात क्या है हम ट्वेंटी के लिए आज क्लास खत्म होगा नाइन थर्टी को एक कल नाइन इव, इवनिंग नाइन थर्टी पी तक एक चैलेंज हम लोग एक ये सेट कर देंगे अलार्म सेट कर देंगे एंड सोचेंगे कि नहीं मुझे बिल्कुल कंप्लेंट की तरफ नहीं जाना है मगर ये तो ह्यूमन नेचर है कंप्लेंट तो शिटा बेंगे गए ये ये हो गया ये हो गया। तो इस चीज से हम कितना परसेंट खुद को कंट्रोल कर सकते हैं मैं बोला यूट्यूब में ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप लोग कमेंट में जाके लिखिए कि है आई एम टेकिंग द चैलेंज ये चैलेंज आप ले रहे हो तो और कल 9:30 बजे के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या कि हम कितना परसेंट इसको कर पाए इसीलिए क्यों YouTube कमेंट सेक्शन बोल रही हूँ सब तो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है सो ओपन है सब सबको देख पाएंगे कि हाँ नाम जानने का तो दरकार नहीं है कौन कितना कर पाए अंडरस्टूड फिर से रिपीटेशन भी हो गया अच्छा ये ये काम करना है उसके बाद क्योंकि ये जो फुल मून है ये भार्गो में है ये एलिमेंट से जुड़ा हुआ है आप लोगों को बहुत लोगों को बॉडी पेन हो सकता है कुछ दिनों से फील हो रहा है सर दर्द होना, होना, होना भूख नहीं लगना ये सब हर एक के लिए होता है हर एक के लिए नहीं बोलूंगी जिन लोगों के अंदर ये ब्लॉक एनर्जी है उन लोगों के लिए ये बॉडी में हो रहा है क्या क्या चीज हो रहा है सोल हार्ट बॉडी माइंड की चारों के ऊपर बहुत काम करेगा आर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और हम लोग क्या है वाटर एलिमेंट तो है ही बॉडी में आर्थ एलिमेंट भी तो है बॉडी एफेक्ट करेगा ही. हार्ट में क्या है अगर ऐसा है क्या क्या करना है अगर ऐसा है दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है हमें लगता है कि ये काम मैंने सही नहीं किया

तो वो ये कहीं कही ना कहीं आपको मैनिफेस्टेशन होने नहीं देगा आपके दिल में छुपा हुआ बहुत कुछ है। हार्ट में सोल बॉडी माइंड हार्ट थैंक यू ठीक है ना सोल बॉडी माइंड हार्ट तो आपका भी क्वेश्चन था कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है उस, उसको भी आज अभी तो अभी क्लास करेंगे आप आपको बहुत मेडिटेशन सिखाया जाएगा सब कुछ बट आज तो स्पेशल क्लास है आज, आज सुनिए क्या है तो बात जो है क्या करना पड़ रहा है कि हम सोल बॉडी माइंड हार्ट के ऊपर काम करेंगे ठीक है तो हार्ट में अगर ऐसा कुछ छुपा हुआ है बहुत ज्यादा दर्द है अगर रोने का इच्छा है मेरे सामने मेडिटेशन में या कुछ रो जाइए कोई बात नहीं रोइे फिर तो उसके बाद शांत हो जाइए ट्राई कीजिए दिल का जो बोझ है उसको निकालिए मैं लिख के दे सकती हूँ आप लोगों में नाइनटी परसेंट लोग है खुश तो नहीं है बिल्कुल खुश नहीं है मगर आदत बन चुके हैं उनके लिए सोचना उनके लिए रोना वही मेरा गोल है सोचना और ये काम करते 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 आपकी हार्ट में पेन हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को दबा रहे हो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा रहे हो आज कुछ टाइम के लिए रिलीज कीजिए मैं नहीं सोचने वाली मैनिफेस्ट कर सकती हूं बट इस जगह में ऐसा मैनिफेस्ट करूंगी सोल लेवल में हमें दो हम दोनों को एक साथ हो ठीक है काम पे इसमें सोल हार्ट में ऐसा जाके दिल से कुछ बहुत कुछ विश है मेरा वो रेड बहुत पसंद है वो रेड अगर मेरा होता तो जरूरत पड़े खरीद लो पंद्रह एक महीना के अंदर जब सुविधा होगा एक गोल फिक्स कर लो हाँ खरीद लेंगे दबाओ मत कोई चीज को मैं बहुत ज्यादा डाइटिंग कर रही हूँ मुझे बहुत आज बर्गर खाने का इच्छा हो रहा है खा लो भाई एक दिन कुछ नहीं होगा दबाओ मत चीज को डेली मत खाओ ठीक है बॉडी बॉडी में यहाँ पे आते हैं ये जो फुलमून है सोनाल बोल रहे थे ऐसे बहुत लोग बोल रहे थे आपकी बॉडी में आनी रिजिनेस, अक्षा बोल रहे थे वो तो अच्छा जगह में लंडन में अच्छा वेदर में है ये है फिर भी उनको बहुत ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ये एक्चुअली अगर अक्षा है शायद अक्षा है क्लास में तो बात जो है कि वो जो भी हो रहा है कहीं कही ना कहीं से लिंक्ड है तो जस्ट थिंक लिंक्ड है एवरीथिंग कहीं ना कहीं माइंड में जो एंजाइटी आ रहा है अंदर ही अंदर आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो हार्ट से दैट्स वाई आपकी बॉडी पेन फील हो रहा है दैट्स वाई आपका बॉडी पेन फील हो रहा है और कोई कारण नहीं है रेकी ऑलवेज रेकी कैसे जाके दूर से जाके हम बीमारी ठीक करते हैं और कुछ नहीं है हम एनर्जी को ऐसा चक्रा को अलाइन करता है और शुद्धिकरण करता है हर जगह में जाके, जाके वो ब्लॉक एनर्जी को क्लियर कर देते ठीक है तो दिस इज द थिंग जहां पे जाके एंड और एक चीज बार बार बहुत लोग हैं आप लोग बहुत बार रेकी ले चुके हो उन लोग जानते हैं रिजल्ट क्या होता है बार बार रेकी लेने का क्योंकि हम एक बार में क्लीन ब्लॉक एनर्जी को नहीं कर पाते ना बार बार हम फिर इनहस कर लेते हैं और हम लोगों का एक टेंडेंसी होता है दुख के पीछे दौड़ना शायद काल या का मैं परसों का शायद इसमें बोल रही थी कि बच्चे लोगों का क्यों गेम पसंद करते हैं गेम के पीछे दौड़ना की एक गजब से एडिक्शन हम लोगों में होता है एक टाइम तक हम वीडियो गेम्स के पीछे दौड़ते बच्चा देखना बहुत ज्यादा खुद की टिश्यू को ब्रेन को ये सब को एक्टिव करने के लिए हाइपर एक्टिव होता है नॉर्मल इंसान से बच्चे लोग हाइपर एक्टिव होता है उन लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा बॉडी को हील कर तो ज्यादा एक्टिव एक्टिविटी दिखाते हैं बाद में जाके हम इमोशन में वही एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट करते हैं खाली इमोशन के पीछे दौड़ रहा है घंटा कुछ नहीं हो रहा है इमोशन पीछ के पीछे दौड़ के मेरे लिए सोच रहा है सोच ले दो भैया मैं क्यों सोचूंगी ये मेरा ब्लॉकेज है ये बाहर के लोगों की ब्लॉक नहीं है अगर कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है रिजेक्शन मेरे अंदर है मैं खुद को रिजेक्ट कर रही हूँ बार 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 यू आर रिजेक्टिंग योरसेल्फ तभी जाके बाहर के लोगों का हिम्मत होता है वो मेरा हस्बैंड हो मेरी मम्मी हो मेरे पापा हो मेरे ट्वीन हो मेरा जो भी हो इतना एनर्जी जो आप लोग डिवाइन मेस्कुलाइन डिवाइन मेस्कुलाइन के पीछे देते हो मेरे गुरुजी उस दिन मजा करके बोल रहे थे इतना एनर्जी अगर सीएम के पीछे देते या पीएम के पीछे देते अच्छा नौकरी मिल जाता डीएम <laughs> डीएम तुम लोगों का क्या डीएम ये सच में एकदम कोई चीज में एवरी मोमेंट जानना हम दौड़ रहे हैं और एवरी मोमेंट खुद को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है जैसे मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है मैं किसी के पीछे दौड़ रही हूं क्यों दौड़ रही हूँ क्यों दौड़ रही हूँ मैं मैं अच्छा मेरे हस्बैंड है मेरे ये है मेरा हस्बैंड में भी मेरा हज़बेन, मेरा हस्बैंड मेरा ट्विन नहीं है मैं एग्जांपल बोल रही हूँ यहाँ पे बहुत लोग हैं कि मेरे हस्बैंड उनके हस्बैंड उनकी, उनकी ट्विन है इनको ट्विन बोल के कुछ नहीं करना है दया करो कि उस पर्सन को हमें दर्द से निकालना है तभी कर रहे हैं हम हमें खुद के लिए नहीं वो नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे कोई नहीं मरेगा समझ में आओ दर्द दे रहा है आपको तो ट्वीन को दिमाग में ऐसा जगह से मत लीजिए ये छोड़ के मेरा चलेगा नहीं जिस दिन उस एनर्जी को काट दे काट कर देंगे यहाँ पे बहुत लोग हैं बहुत लोग नहीं कुछ कम लोग ही है जो ट्वीन आने के लिए तरप रहा है ये, लोग नहीं करते। ये पहले यही ये खुद के पीछे दौड़ते थे, थे। ट्रेनिंग में इसमें उसमें ऐसा है ट्विन आने के लिए तो बहुत लोग हैं मैं नाम नहीं ले रही हूं मेरे सामने ही है आने के लिए तैयार है तरफ रहा है अगर तुम खुशी दे आना चाहते हो आओ अगर नहीं आना चाहते हो मन में अगर गिल्ट रहे कि नहीं ये रिलेशनशिप तो इलीगल है ये रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए तो वो ट्विन को भी हम एक जगह से ही दीपिका क्यों कॉल कर रहे है अच्छा देखिए दीपिका क्या घर बाहर So, दर्द हो रहा है हम कुछ टाइम के लिए उसको रिलीज करेंगे, कोई गुस्सा छोड़ के क्योंकि हमें कॉम्प्लेन नहीं करना है वो उसके जगह में ठीक है उनका जो जिंदगी का चाहत है मेरे साथ कैसे मैच करेगा वो चीज अलग अलग इंसान है अलग अलग कर्मा है अलग अलग संस्कार है स्पिरिचुअलिटी में कोई खराब नहीं होता है जैसे मैं किसी से डरती नहीं मैं किसी से डरता नहीं ऐसे बहुत लोग बोलते हैं सिचुएशन जब पैदा होता है मैं किसी को देख रही हूं अंधेरे में बैठे हैं youtube के नाम से इतना डर गए अंधेरे करके बैठे आइए मैं 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 नहीं डरती किसी से मैंने अपने रूम में दीवारों पे इसमें छिड़क लिया था उससे मुझे एलर्जी हो रही है इसलिए मैंने अपने को तो रजाई में कर यही देखना है मुझे नेक्स्ट वीक में भी आइए ही देखना है ठीक है <laughs> चलिए मैम एक क्वेश्चन था कैन बी कट आर कॉर्ड्स विद आर ट्विन फ्लेम नो नो यू कट यू कट कॉन्सियसनेस इतना ज्यादा मिलते हैं एक दूसरे से कॉर्ड काट नहीं कर सकते आप दूसरे तरीका से आगे जा सकते हैं उनको फॉरगिव करके जब उनके लिए आपके दिल और दिमाग में कुछ नहीं रहेगा गुस्सा नहीं कुछ भी नहीं एंड ऑल तब जाके ऐसा एक सिचुएशन पैदा होता है जो एक न्यू रूप में आपकी तरफ आएंगे कट नहीं होता कॉट कट हो सकता है जो आपके लिए तकलीफ के कारण बन रहा है उसको हम काट कर सकते हैं कुछ दिन के लिए सेपरेशन बना सकता है ट्विन आएगा ही सो so, अभी ये देखो मैनिफेस्ट करने गुस्से में है ट्विन के लिए समझ में अभी कॉट काट कर दे रहा है दो हफ्ते बाद फिर कॉर्ट जुड़ने के लिए मर जाएंगे ये बात है है ना एनर्जी में रहिए ठीक है अच्छा अभी हमें तो 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 तो, एक चीज तो बहुत अच्छा से समझना है ब्रीदिंग पे बहुत बड़ा काम करता है अभी जो मैं बोलूंगी ना आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ ठिया मैम ये बोल रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है ओके फाइन इसके बाद एक जगह आता है जहाँ पे जाके मैं सिर्फ ट्विन ट्विन नहीं कर रही यहाँ पे आपका ऑफिस लेके आपका जो भी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम लेके आपका है उनके बारे में बोल रही हूँ क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कोचिंग क्लास है इसीलिए मैं ये वाला ट्विन क्वेश्चन आ रहा है आपकी ऑफिस लेके हो आपकी शादी लेके हो आपकी फ्यूचर लेके हो जो भी हो आपका जहाँ पे ब्लॉक आ रहा है हम उसको कोई भी जगह के लिए है मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे बहुत खूबसूरत सा जिंदगी वो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ वो अगर ट्विन हो ट्विन की चचेरे भाई हो या उनका कोई ना हो चलेगा चलेगा ये एनर्जी में रहिए फर्स्ट अब सोचोगे कि ट्विन की ट्विन फ्लेम कोच क्या ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि तो फर्स्ट मेरा काम ही तो है एनर्जी को दूर के जाना ही डिपेंडेंसी से बाहर निकाल देना अब जितना डिपेंडेंसी से बाहर निकाल जाओगे उतना जल्दी आपका यूनियन होगा कुछ बिल्कुल लेके लेके कर सकते हैं तब आप सेल्फ लव में आ रहे हो दैट मीन्स आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और भी आगे निकल गए थैंक यू मैम बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है मैम आप म्यूट हो गए हैं लोग म्यूट कर दीजिए क्योंकि बाकी को म्यूट करते कि मैं म्यूट हो गई अच्छा अभी जो बात है बहुत जगह सुनिए अच्छा से ये जो जो मैं प्रोसीजर बोला सब डिटेल में बताई अभी सुनिए इत... कर, करे कैसे एक आपका एक्टिविटी क्या बोल दिया कि आपको अलार्म सेट करना है कल तक एंड कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड ऑल ओके फाइन इसके बाद हमें करना क्या है एक चीज सुनिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अच्छा नियम और कोई जगह में नहीं है लास्ट क्लास में मैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखी है सिखाई थी थ्री स्टेप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रिमेम्बर थ्री स्टेप इन द सेंस तीन टाइप ऑफ रिदिम एक्सरसाइज नहीं था रिदिम टेक्निक एंड वॉल्यूम राइट रिदिम टेक्निक एंड वॉल्यूम हम क्या करते हैं गलती से इतना जल्दी फों 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 फू करते रहते हैं कि भैया ऑक्सीजन बॉडी में गया ही नहीं छोड़ने के लिए रेडी ये तो गलत काम करते हैं हम लोग ऐसा नाम नहीं करके सबके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रख के बोल रही हूँ योगा होता ही नहीं है इतना जल्दी जल्दी आप सांसों को बाहर मत छोड़िए आपकी बॉडी एब्सोर्व ही नहीं कर रहा ऑक्सीजन को छोड़ ज्यादा रहे है जो है वो भी निकाल रहे है तो जो थ्री स्टेप सिखाई थी उस जगह में मैं कुछ मैंने बोला था बार 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 कि भैया आप लोग जब करोगे ब्रीदिंग की वॉल्यूम के ऊपर बहुत ध्यान देना अभी वॉल्यूम कितना किसका होगा आपके हाथ पे नहीं है इतना अवेयर आप हो नहीं इसके लिए क्या सिखाया गया था न्यू सबके लिए बोल रही हूं आप लोग बिस्तर पे या जमीन पे लेट जाइए कुछ बिछा के लेट जाइए क्या क्या हमें नजर रखना है गुड ब्रीदिंग के लिए जो आपका जिंदगी बदल सकता है दैट इज योर रिदम टेक्निक एंड वॉल्यूम कौन सा रिदम में ले रही हूँ कितना क्वांटिटी ऑफ एयर को ले रही हूँ एंड टेक्निक सही हो रहा है कि नहीं मैम इधर की बोशे कर ले हवे ना बोशे कर ले अभी नहीं करना हम सिखा रहे हैं अच्छा। हम सिखा रहे हैं इसको सिखा रहे हैं आप घर में अगले सात दिन आप करोगे ठीक है सात दिन क्यों ये आप कभी भी करोगे जिंदगी भर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम डेली एक बार दिन ही कर ले हवे हाँ एक्सैक्टली बहुत बड़ा पेट पे नहीं ठीक है खाने का एक डेढ़ घंटा दो घंटा बाद कीजिए ठीक है सुबह रात को कीजिए ये तो एक्चुअली आधा घंटा करना चाहिए मगर आधा घंटा बहुत लॉन्ग टाइम जाके करना पांच मिनट कीजिए ना मगर कीजिए डेली छोड़िए मत क्या करना है। क्या है पहले सुनिए देखिए अच्छा। ये करने के लिए श्रीमा आप करने की जगह कितना क्राइम करें करेंगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हो आप प्रेजेंट में नहीं हो हर बातों में मैं दिखा सकती हूँ आप लोग कहाँ 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 फॉल्ट में हो ठीक है सो द थिंग इज आपको क्या करना है आपको फर्स्ट काल अगर जो सिखाया गया था आप आराम से लेट जाइए कोई बालिश पीलो नहीं होगा आपकी सिर के नीचे आप प्लेन सरफेस में लेट ठीक है उसके बाद आपका जो नेवल है और आपका जो ये जो रीज की हड्डिया है रीठ की हड्डिया ना आपका जो ये जो चेस्ट का जो बोन केज है उसके यहां से यहाँ तक यहां से यहाँ तक मतलब आपका नेवल में जाके खत्म हो जाएगा ऐसा अगर आपका कोई बुक रहे जो छोटा बुक रहता है ना थोड़ा सा वेट ही बहुत ज्यादा नहीं किलो किलो वेट थोड़ा सा वेट को जैसे मैं उस दिन मैं दिखाई थी कोई एक ऐसा पाँच सौ ग्राम के अंदर का ऐसा 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 बुक हो तो इसको इधर रख दीजिए इसको अगर रख के आग बंद करके एकदम लंबे से सो जाइए और सांस जब लेना है आपको क्या करना है आपके पेट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है अब पेट ऊपर उठेगा नीचे उठेगा कि मगर कहाँ का पेट नीचे का पेट क्योंकि ऊपर में यहाँ पे तो आपका बुक रहेगा थोड़ा सा भारी बुक रहेगा जो आप हिला नहीं पाओगे वो धीरे धीरे कंट्रोल में हिलेगा और नीचे का पेट अप्स एंड डाउन होकर आपका सांस लेना है उसमें आपका सांस का जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन या हम तो खाली ढूंढ ढूंढ के ऑक्सीजन नहीं लेते हर मुझे बचपन में था कि ऑक्सीजन ही लेते हैं ऐसा नहीं होता हम हर यार को ही लेते हैं बॉडी जो एब्जॉर्बशन होता है वो ऑक्सीजन का होता है अदर अदर चीज हो सकता है ऑक्सीजन हम हीमोग्लोबिन में जाके है ना ऑक्सीजन होकर ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन होके जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आग लग गया कार्बन मोनऑक्साइड बन गया तो कार्बोबिन और हिमोग्लोबिन बन जाता है जाके क्या करता है हम लोग को खून को जमा कर देता है हम मर जाते हैं उसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड में मरते नहीं है ज्यादा जब एयर जब फायर ज्यादा होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी टूट के सीओ टू नहीं सीओ बन जाता है कार्बन मोनोक्साइड बन जाता है जो हीमोग्लोबिन है ओ, है, कार्बोन मोनोक्साइड बन के हिमोग्लोबिन के साथ जाके कार्बोमिनबिन बना देते हैं तब जाके ब्लड में क्लॉड होके मरते हैं समझ में ठीक है अभी छोड़िए ये सब बात बाद में पे पे बोल रही कि हमें क्या कर हुआ तब यहां पे ऐसा रखना है उस बुक को बुक को रख के हम ऐसा पांच मिनट कीजिए दस मिनट कीजिए देखना इस टाइम में जो नींद आएगा अगर ऐसा सिचुएशन हो कि नॉर्मली नींद आ रहा है तब यू कैन फील आप आधा घंटा अगर लेट हो तो आपका पांच घंटे का चार घंटे का नींद का जो फ्रेशनेस है वो फील हो रहा है जिनका नींद का प्रॉब्लम है करके देखिए आज एक दूसरा तरीका सिखा रही हूँ सेकंड स्टेप आप एक वॉल के सामने खड़े हो जाइए मगर वॉल में आपका बॉडी लगेगा नहीं वॉल में आपकी बॉडी लगेगा नहीं वॉल से थोड़ी सी छह इंच सामने चार इंच सामने खड़े हो जाइए होने के बाद आप हाथों को जब ऐसा करेंगे हाथ का जो ये पोर्शन है आपको वॉल में लगेगा इसमें क्या होता है इसमें आपका अपर चेस्ट जो है वो क्लियर होता है आप लोगों को उज्जय वृद्धि में मैंने क्लास में सिखाई थी ना कि हम उज्जय ब्रीद कभी डाउन से कभी मिडिल से आ, डाउन लंग को क्लीन करते हैं मिडिल लंग क्लीन, क्लीन करते हैं अपर लंग को क्लीन करते हैं जो पुराने हैं उन लोगों को मालूम है न्यू लोगों को फिर से सिखाया जाएगा अगर लंग सही दिशा में सही रहे भरपूर एकदम ऑक्सीजन ले हार्ट बीट सही होगा नेचुरली हार्ट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत डॉक्टर्स भी है नेचुरली होगा ब्लड में जो एक्चुअली ऑक्सीजन फ्लो है सही होगा आपका हार्मोनल सिक्रिएशन सही होगा आप एंजाइटी से दूर चले जाओगे सब तो शरीर का हार्मोन का खेल चल रहा है और इन आर वार आपके सांसों का गति को कंट्रोल करना सिखा देते हैं तो ना नेचुरली आप खाली गाद मानी ज्यादा ज्यादा मुझे साइक्रेटिक मेडिसिन लेना है ये करना है नहीं करना है उसमें कुछ परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है आपको यही यहाँ पे जो लोग ऐसा सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं वो लोग बोल सकते हैं कि कहां पे थे और तो क्या, क्या बोला जा रहा है कि हम ऐसा करेंगे सांस को ठीक है ये करेंगे जब भी फुलमून होता है अगले सेवेंटी टू आवर्स इसका एनर्जी रहते हैं सो आप लोगों के लिए वो पांच मिनट यानी ये पांच मिनट वो जो बुख रख के पांच मिनट एंड हम हाथ ऐसा करके पांच मिनट ये करना है ये सब करते करते कभी नोटिस करना जब आप लेटे कर रहे हो आप नोटिस करना आपका पेट जितना ऊपर नीचे कर रहा है आपका छाती उतना ऊपर नीचे नहीं कर रहा है जो प्रैक्टिस किया है जानते हैं छाती उतना ऊपर नीचे आप लोगों का नहीं कर रहा है राइट right? एक मजेदार बात तब सुनिए पूरा यूनिवर्स पूरा हम लोगों का अर्थ एवरीथिंग यही टेक्निक में रिदिम रिदिम फॉलो करते हैं नॉर्मली फॉर एन एग्जाम्पल सी साइड में गए हैं आप अगर सी साइड में गए हैं आप नोटिस किए हैं जो आपके पैर की सामने आ रहा है जो लहरें वो जितना उथल पुथल कर रहे ऊपर नीचे कर रहे है अब जितना डीप में जा रहे हो आपका समुद्र शांत हो रहा है आप रूट एंड सेक्रल को उथल पुथल कर रहे हो जब भी कॉन्सियसनेस बढ़ रहा है डीप में जरा आपका हार्ट चक्र शांत अगर आपको इतना ज्यादा पेल्पिटिशन हो रहा है नॉल एंड और आप समुन्दर में गई नहीं भैया सुनामी में इसमें हो तालाब में हो उस जगह में आप हो ही नहीं समझ में तो ये बात है एक्चुअली तो हम ये दो जो ब्रीदिंग टेक्निक है करेंगे आज एक ब्रीदिंग टेक्निक से हम मैनिफेस्टेशन ये करेंगे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जिसको बोला जाता है नारी शोधन बट आज फुल मून है हम चंद्र नाड़ी से काम करेंगे हम आज टेस्ट करके नहीं देखेंगे भैया तुम्हें ना राइट नाइट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रहा है ना लेफ्टल ज्यादा चल रहा है नहीं देखेंगे आज हम लोग लेफ्ट से ही काम करेंगे क्योंकि इसको चंद्रनाड़ी बोला जाता है ईरा ठीक है तो इसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि उसमें मैनिफेस्टेशन देखो हम अगर अच्छा और एक चीज मैं बता रही हूँ कराऊंगी जो दो चीज आपकी जिंदगी में जो नेगेटिविटी है उसको हमें हटाना है हम लिखाएंगे पेपर में दो चीज खाली पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लिखना है दो चीज को आप काटना चाहते हो पास से या आपकी जो भी चीज आप पास्ट कर देना चाहते हो वो कोई इंसान हो आपका ट्वीनी हो भाई इसकी याद मुझे सताते हैं उसको कटाना चाहती हूँ देखना तो हिम्मत है सो ये लिखने का ये ट्वीन का याद काटना चाहती हूँ अगर हिम्मत है लिख के दिखाओ ठीक है अच्छी बात है अभी जो बात है कि जो भी वाट आपकी इवन ये मम्मी पापा को लेके हो अपना काम लेके हो इवन खुद को लेके हो कि मेरा ये आदत मुझे तोड़ना है खराब करना है पहले आपका काम है कि ये जो चीज ये जो भी आपका दो आदतें है या जो भी है आपकी जिंदगी में जो भी कारण आपको टॉक्सीडिटी दे रहा है ऐसा कोई नहीं है कि मेरा कुछ नहीं है, है। किसी का इमोशन तकलीफ देते हैं तो मुझे आनने से सर इमोशन से छुटकारा चाहिए अननेसेसरी गुस्सा से छुटकारा चाहिए मेरे शॉर्ट टेम्पर से छुटकारा चाहिए जो भी है आपकी दिल और दिमाग में अब दो पॉइंट लिखिए लिखिए आई एम गिविंग यू टाइम टू मिनट्स डोंट आज कौन कलर सा पेन से लिखेंगे जो भी कलर का लिखिए मैम तो पेपर आपने बोला था एक सेकंड जो पेपर बोला था पेपर पे लिखना है कि अलग से किसी कॉपी को, कोई भी जगह में लिखिए वो पेपर को थोड़ा सा रखना पड़ेगा अदरवाइज कोई भी दो पॉइंट लिख तो दो पॉइंट मैम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन yeah, yeah, था yeah, जस्ट अभी दिमाग में आया uh, जैसे अनबैलेंड uh, इमोशंस के साथ हम लोग डील करते हैं और इमोशंस हमारे मून से कनेक्टेड होता है ऐसे आपने आज बोला कि हम नाड़ी से करेंगे, तो जस्ट अ क्वेश्चन बाई कनेस की अगर हम चंद्रनाड़ी पे अच्छा खासा कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके तो क्या जिन लोगों को जैसे एस्ट्रोलॉजिकली मून वीक होता है या अनबेलेंसड इमोशन के थ्रू जाते हैं लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसपे इंट्यूशन बढ़ा बढ़ा सकते है, सकते हैं हैं बार बार बोलती हूँ बार बार बोलती हूँ आपका एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी तब तक काम करेगा जब तक आपके अंदर वो एनर्जी इनह नहीं हुआ है मैम मैम सॉरी किस टॉपिक पे लिखना है दो लाइंस आपकी इच्छा जो दो चीज आपकी जिंदगी में फील होता है कि ये दोनों चीज मेरे जिंदगी में पसंद नहीं है मुझे आउट करे तो अच्छा घर की नेगेटिविटी हो सकता है या ऐसा मतलब घर की नेगेटिविटी आउट कर ऐसा नहीं लिखेंगे ये नेगेटिविटी लेके मेरे मन में जो डर है उसको हटाना हाँ ब्लू पेन से लिए एक मिनट हाँ बोलिए आप मैम ब्लू पेन से ही क्या कोई भी स्टार्टिंग में बोल दिया कोई भी पे

जिंदगी में जो चीज जो आपको पसंद नहीं है आप तो अपना जिंदगी से वो चीज को हटाना चाहते हैं ऐसा दो चीज लिखिए फियर का जो रहता है तो उसमें पर्टिकुलर कोई एक फियर या ओनली फियर लिख के कर सकते हैं फियर का फियर लिख के अननेसेसरी फियर। डर दर, डरना मना नहीं है डरना अच्छी बात है अननेसेसरी फियर्स से हम अलग ना आई एम सॉरी वुड यू प्लीज रिपीट सॉरी आई जस्ट वाज आउट वुड यू रिपीट व्हाट डू नाउ या श्योरली ओके सो आपका नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम यू वांट टू नो व्हाट इज एक्चुअली आई एम टेलिंग टू डू सो oh, अच्छा, so हाँ. नहीं लिखना है, लिखना है. Oh. अभी मैं वा, वा, कोई टाइगर को सामने देख के डर रहा हूँ या डर रही हूँ इट्स नॉट अननेसेसरी फियर ये जरूरी है ठीक yeah. है yeah. ओके okay. ठीक है ठीक है लिख दिया आपने अभी हम लोग क्या करेंगे दो दो ऐसा चीज हम कर लिए अभी हम लोग दो इम्पोर्टेंट जो सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज जिसको हम कोई ये खोले है ना रेडी में किसका है वो खोले है आप लोग प्लीज म्यूट मत खोलिए ना जरूरत पड़ी अलग बात है नहीं तो करके फिर म्यूट कर दीजिए अभी जो है हमें दो इंपॉर्टेंट चीज जो दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को एक्चुअली जिंदगी से हम इमी इस मोमेंट पे हम चाहते हैं कि वो ना रहे मेरे लिए अच्छा है सबके लिए अच्छा है तो उसको हटाइए जो मुझे बदर कर रहा है हो गया अभी हम लोग क्या करेंगे हम वो नारी शोधन करेंगे थ्रू चंद्रनार Lift, nostal, nostal से करेंगे लेफ्टल से क्यों मैनिफेस्टेशन से पहले मैं कर, कराना चाह रही हूँ या करा रही lift, nostal, अगर रहे, तो हम लोगों का राइट ब्रेन एक्टिव होगा एक्टिव रहे हम लोगों का राइट ब्रेन एक्टिव होगा राइट right ब्रेन अगर आपका एक्टिव हो जाए आपका इंट्यूशन एक्टिव हो जाएगा इंट्यूशन एक्टिव हो जाए तो आपका मैनिफेस्टेशन अच्छा हो जाएगा ठीक है सो लेट स्टार्ट आप क्या करेंगे आप जो भी करेंगे सोच के जान के कि हाँ ये काम मैं इसीलिए कर रही हूँ अननेसेसरी कुछ काम करना नहीं है ठीक है पहले हम क्या करेंगे हाँ, हाँ, ल, हाँ, हाँ, हाँ लेफ्ट अपरो बंद हो किंतु लेफ्ट जैसे को पारो ट्राई करो जैसे को ज़्यादा को पारो ट्राई करो हाँ आज के एक बार पुरी सी एक बार करो जाएगे हाँ हाँ नो प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल मैम जस्ट वन मिनट ईयरफोन्स होगा तो नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा क्या होगा ईयरफोन्स इयरफोन्स uh, uh, लगा के हम ब्रीथ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है म्यूट होगा आपका जो भी है यहाँ पे म्यूट है सो नो प्रॉब्लम आप जो मर्जी कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नहीं, वो, है? वो ब्रीथिंग हम कर सकते हैं वी कैन डू अदरवाइज अदरवाइज मैं जितना बोल रही हूँ आपको लगाना नहीं है दीजिए uh, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है So you just uh, just open the can, uh, that phone and do After we can you okay uh, okay okay thank you ठीक है लेट स्टार्ट हम क्या करेंगे राइट right नस्टल को ये जो लेफ्ट राइट थंब है इसको ऐसा बंद करेंगे ठीक है अभी लेफ्ट से सांस लेंगे लेफ्ट से सांस लेंगे सांस का जो गति होगा वन Two, three, four, five. Hold. One, two, three, होल्ड five. अभी ये जो ये जो नॉस्टल है लेफ्ट नॉस्टल को ये जो अनामिका है ना रिंग फिंगर इससे ऐसा क्लोज करेंगे एंड राइट को फिर खोल देंगे एंड जब सांस जो निकलेगा उसका भी रिधि ऐसा रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव कभी सोच के देखना या कभी ऐसा एक नेचर सामने के सामने जाके देखना जहां पे जो हवा चल रहा है उसका जो गति है ना यू कैन फील जो वाइब्रेशन कंटिन्यू नहीं जा रहा है वन टू थ्री फोर फाइव आज नेचर की वाइब्रेशन लेके हम काफी बात करेंगे इसके बाद की क्लास में और भी एडवांसली सिखाएंगे आज प्रिलिमिनरी स्टेज पे सिखा रही हूँ कोई भी चीज हो रहा है आप नारी शोधन के जरिए जान सकते हो कि रिदम सही है अगेन द थ्री थ्री स्टेप स्टेप में पूरा यूनिवर्स चल रहा है आप अगर इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कीजिए इस रिदम से खुद को कनेक्ट कीजिए आपका मैनिफेस्टेशन पे पहुंचेगा अगले आवर्स में यही मैनिफेस्टेशन जो मैं सिखाऊंगी वो कीजिए बट बिफोर डू दैट थ्री स्टेप ब्रीदिंग विथ नारी शोधन आफ्टर दैट यू डू इट देखिए स्टार्ट नारी शोधन राइट को बंद करना है एंड फिर से लेफ्ट से ही लेना है राइट से छोड़ना है लेफ्ट से लेना है राइट से छोड़ना है लेट स्टार्ट आराम से बैठ जाइए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में थाई के ऊपर खुला हुआ रीट की हड्डी सीधी एक लंबी सी गहरी सी सांस को लीजिए एक लंबी सी गहरी सी सांस को छोड़ दीजिए और एक लंबी सी गहरी सी सांस को लीजिए और एक लंबी सी गहरी सी सांस को छोड़ दीजिए धीरे 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 हम शोधन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट नॉस्टल से लेट स्टार्ट जैसे मैं सिखाई हूं राइट को थम से ब्लॉक कीजिए लेफ्ट से सांस लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव दोनों नोस्टल को बंद कर दीजिए फिंगर से होल्ड वन टू थ्री फोर फाइव राइट नोस्टल को छोड़ के लेफ्ट को बंद रखिए राइट से आप सांस को छोड़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव अगेन लेफ्ट से लीजिए सांस राइट right को क्लोज कर दीजिए लेफ्ट से लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव दोनों नोस्टल को बंद करके होल्ड वन टू थ्री फोर फाइव राइट को छोड़ दीजिए लेफ्ट को क्लोज करके टू थ्री फोर फाइव कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए ये मेथड लास्ट थर्टी सेकेंड रिलीज कर दीजिए धीरे 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 दोनों हाथ को रब कीजिए अपनी आंखों में मेन थर्ड आई की थर्ड आई की सामने और पीछे क्योंकि मैनिफेस्ट करना है इस एनर्जी को फ्लो करने का कोशिश कीजिए फील कीजिए जैसे आपका थर्ड आई से पीछे तक पीछे से थर्ड आई तक जैसे इस एनर्जी फ्लो हो रहा है इस पीछे वाला जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है बिंदु ये सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट होता है हम लोगों की जिंदगी मैंने शरीर के अंदर ठीक है प्रणाम कीजिए अपने आप को डिवाइन को एनर्जी को हरिओम दक्ष आपका जो भी आपका रिलीजियन है जिनको आपको प्रणाम करना है कीजिए ठीक है इसके बाद हम लोग जो दो पॉइंट हम जिंदगी से बाहर जाने के लिए लिखे थे उसको अगर आप राइट ले राइट हैंडेड हो आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे ट्राई टू डू ट्राई टू राइट अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो आप राइट right हैंड से लिखोगे शॉर्ट में लिखिए ना शॉर्ट में ज्यादा ज्यादा नहीं एकदम शॉर्ट में एक वर्ड में दो वर्ड में अगर उसको लिखना है जैसे आपको अगर प्रॉब्लम से है। हाँ, क्या बोल रही हाँ? बो, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ऐसा है आप राइट right हैंड से अपना दो प्रॉब्लम को जो वॉश आउट करना चाहते हो जिंदगी से वो लिखे हो राइट वही चीज आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है लेफ्ट हैंड से सेम पेपर पेपर पे दीदी तो हैंड से अगर आप ऑलरेडी लेफ्ट ही हो लेफ्ट हैंड से लिखे हो तो आप राइट हैंड से लिखिए ऑपोजिट कीजिए आपको पास्ट से निकालना है आपको ऑपोजिट ब्रेन एक्टिव करना है एक आ, दूसरे पेज पर मैम दूसरे पेज पे पेज के नीचे लिख सकते फैक्टर फैक्टर इज योर राइट ब्रेन को एक्टिव करना एक चीज ऑलवेज सुनना आप एक लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस में या कर्म योग में जब चले जाते हो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी चैरो न्यूमरोलॉजी कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज और काम नहीं करेगा बिकॉज दैट टाइम यू आर इन योग अब जो चाहोगे वो करोगे क्योंकि आपकी ब्रेन पावर से ज्यादा कैपेसिटी और किसी चीज का नहीं है ठीक चलो देखिए आगे जो लिखी थी सेम हाँ हाँ शॉर्ट में लिख सकते हो कोई बात नहीं है मगर लेफ्ट में लिखो मतलब जो लिख रहे हो जो हैंड में आप लिखे हो ऑपोजिट हैंड में आपको कोई साइकिल से हम ब्रेक कर रहे हैं दुख का साइकिल दर्द की साइकिल यू आर ब्रेकिंग द साइकिल बार ब्रेक कीजिए मुझे एक चीज कहनी है हाँ अभी जो आपने ये नारी शोधन कराया ना उसके बाद से मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना वो कंधे वाला गर्दन के यहाँ से का दर्द कर रहा है तो कि इसकी वजह से हुआ है या इसकी वजह से हुआ है समझ में आया मैंने बोला जमा हुआ इमोशन से दर्द बॉडी पेन हो रहा है आप लोगों का वहां पे लगा धक्का तभी हो रहा है आप विजय वाला और भी नारी शोधन करना जिससे आपको ये वाश आउट होगा ओके थैंक यू मैम बच्चों को पास करने के लिए जब लिखते थे ना तो वैसी राइटिंग आ रही है कॉपियां

छोटे बच्चे होते हैं ना मैम नया नया अल्फाबेट लिखना सीखते हैं मैं टूटी -फूटी बिल्कुल जी एक बार फिर से बता देंगे क्या मैं थोड़ा बाहर हो गई थी जो hey जो सी सी, सी, सी जो मैं करने के लिए बोली हूँ ये लिखने का लिखना है बोला जो भी आया लेफ्ट, से भी आ, लेफ्ट से राइट क्या जो भी आपने दो पॉइंट लिखे थे ना किसी को जिंदगी में वॉश आउट करना है शॉर्टकट लिखे मगर ओके 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 डी हाँ जी जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वो हम सांस लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव मतलब मेरा जैसे आप स्लो स्लो बोलते हो ना मैं बहुत फास्ट करती हूँ वो चीज गलत करते वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे हाँ. मतलब, मतलब वो थोड़ा भी मेरी सांस उतनी देर में खत्म हो जाती है वो तो प्रैक्टिस हाँ. से ठीक हो जाएगा शिवानी वो प्रैक्टिस में आप नहीं हो जितना आपकी सांस में कंट्रोल आएगा उतना आपके गुस्से पे कंट्रोल आ जाएगा देखना जी उतना ही और एक स्टेप आगे जाके उतना ही आप ऑपोजिट की पर्सन को कंट्रोल कर लोगे चुपचाप रहेंगे कोई गुस्सा दिखाना नहीं देख लेना हम ऐसा कर सकते हैं ना अगर 5 काउंट तक सांस इनहेल नहीं कर पा रहे शॉर्ट ब्रेथ हो रहा है तो 5 काउंट करते वक्त दो-दो दो-दो बार ले सकते हैं तीन बार ले सकते हैं 5 के अंदर আপনি বললেন ওটা ওই ফার্স্টে হচ্ছে বুক রেখে যেটা বললেন শুয়ে ওই ওটা শ্বাস নেওয়া সেকেন্ড হচ্ছে দেওয়ালের যেটা বললেন আর থার্ড হচ্ছে নারী শোধন না না

वो दोनों अगर प्रोपरली डेली किया जाए अभी एक दिन में पता नहीं चलेगा एक हफ्ता दस दिन दिन ये जो मैं जो मैं बोल रही हूं, थ्री स्टेप ऐसा नहीं है थ्री स्टेप में क्या है रिदिम टेक्निक वॉल्यूम अच्छा और ये रिदिंग टेक्निक वॉल्यूम को सही करने के लिए आपको दो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सिखाई अच्छा अच्छा थैंक यू आप लोगों को वो स्क्वायर वाला सिखाया गया था याद है ना आपका स्क्वेयर ऐसा ये सब बहुत सारा तकनीक जैसे ट्विन फ्लेम में तो वही इंपॉर्टेंट है कितना ब्रीदिंग का आप ले सकते हो कितना ब्रीदिंग के ऊपर काम कर सकते हो उसके बाद क्रिया उसके बाद मेडिटेशन आता है ठीक है ना मुझे एक बात पूछनी है आपसे हाँ हाँ श्योर बताइए ये मैं लेफ्ट साइड के नोज से जो अब ब्रीथ करती हूँ तो वो लॉन्ग होता है और छोड़ती भी हूँ तो लॉन्ग होता है लेकिन हाँ। राइट साइड से मेरा जल्दी हो जाता है और मतलब उतना मैं लंबा नहीं खींच पाती हूँ क्योंकि सूर्य नारी का प्रॉब्लम है सूर्य नारी के ऊपर काम करना पड़ेगा आपका सूर्य नारी का प्रॉब्लम है चंद्र नारी तो सही है इमोशन ए, इमोशन है इंट्यूशन है मेस्कुलाइन पावर का प्रॉब्लम आ रहा है कहीं ना कहीं से लॉजिकल माइंड दुखी हो जाता है फटाक से बिल्कुल क्या ना ये सब आपका सूर्य नारी का प्रॉब्लम है काम करना पड़ेगा सूर्य नारी के ऊपर ठीक है ये बात uh, हाँ, हाँ, सोना जी बोलिए uh, हाँ बोला जाता है मगर सभी एक ही डायमेंशन से ऐसा नहीं है ऐसा हो ही सकता है कि आपका ट्विन इस जन्म में इंसानों के पैदा ही नहीं हुआ या वो इस अभी डायमेंशन में है ही नहीं बट है

मुझे राधा ज्यादा प्यार करते हैं कृष्णा मेरा एक तीन क्वेश्चन का रीडिंग में वो क्वेश्चन किए थे मैं कितना दिन जीने वाला हू? वो मुझे एक क्वेश्चन में किया था तो मैंने बोला था आपका टाइम खत्म हो चुका है आप कभी भी आप जा सकते हो तो उनको बहुत अच्छा लगा सुन के क्योंकि वो ऑलरेडी अवेयर थे वो जाने वाले थे मैंने बोला आपको तो 2020 में ही चले जाना चाहिए था फिर भी आप नहीं गए अभी वो आपका ये हो वो बहुत इंप्रेस्ट हो गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे टेस्ट ले रहे थे तो उसके बाद वो मुझे मालूम नहीं था उसके बाद ये बोले मुझे राधा ज्यादा प्यार कर प्यार करते हैं कृष्णा मुझे ये क्वेश्चन सुन के पता चल गया कि ये नहीं तो एकदम ही अनअवेयर पर्सन है मगर में इतना दिन साधु है सन्यासी है वो ऐसा काम नहीं करेंगे मैंने कुछ टेस्ट ले रहा है मुझसे तो तब जाके मैंने बोला था ऐसा ही कि कृष्णा इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्सियस राधा प्राणा कोई राधा कृष्णा अलग है ही नहीं पुरुषन प्रकृति और शिव पार्वती शिव को छोड़ के पार्वती नहीं होता पार्वती एए, पार्वती को छोड़ के शिव नहीं होता कभी ऐसा सिचुएशन आएगा बताएंगे ये जो ट्विन फिल्म के शिव पार्वती का मिलन भाई एक दूसरे को छोड़ के हो ही नहीं सकता बॉडी नहीं बनेगा समझ में आया तो ट्विन हर एक का क्यों नहीं होगा आपके अंदर ही तो आपका ट्विन है बाहर का फिजिकल ट्विन जिसको बोला जाता है जो आके रुला धुला के ट्रिगर करके बहुत कुछ कर देता है वो नसीब से मिलता है वो थोड़ा सा हर एक का सामने नहीं भी आते तो ठीक है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात वो अच्छा नसीब आप कहीं ना स्पिरिचुअल लाइन में क्यों आए हो कुछ तो है कुछ तो अंदर का भूख है नो बट द फिजिकल बॉडी ट्विन लाइक अ ह्यूमन पर्सन वो सबका नहीं होता नहीं, no, is it always a good reunion? Not necessarily, depending on your inner work.

मगर आप लोग मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि आज क्लास का रिदम थोड़ा खराब मत कीजिए अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कीजिए मगर ऐसा नहीं है ठीक है अभी क्या करना है ये काम हो गया आपका ठीक है अभी क्या करना है आपको सिंपली हाथों में हाथ रख के ऐसा बैठने हैं हाथों में हाथ रख के दिस इज ऑल्सो मुद्रा ठीक है हाथों में हाथ रख के ऐसे बैठना है एंड सच में जो मैं बोल रही थी ना कि कंप्लेंट नहीं करना है किसी के लिए ऐसे कंप्लेंट नहीं करना है हम किसी के लिए कंप्लेंट ढूंढने ही नहीं जाएंगे उसकी जगह में हम फाइव मिनट्स हो हो पोनो पोनो मेडिटेशन कर लेंगे प्रेयर जो जिसको बोला जाता है वो करेंगे और उल्टा आपके बाद पे सीधा मैम कैसे कोई भी, भी कोई भी बात आप नीचे रखिए जो जो हाथ आपको आगे जो जिनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी की हूँ वो लेफ्ट नीचे रखेंगे एंड राइट को ऊपर रखेंगे एंड जो ज्यादा मेस्कुलाइन एनर्जी दिखता है वो राइट नीचे रखेंगे एंड लेफ्ट को ऊपर रखेंगे ठीक है और उससे भी कोई आएगा जाएगा नहीं आप करिए ठीक है आग बंद करके बैठिए मैम अनिका बोलिए প্রশ্ন আমি অলরেডি রাইটটা নিচে রেখেছি লেফটটা উপরে রেখেছি তো আমার মধ্যে কি ম্যাসকুলাইন এনার্জিটা একটু বেশি একেবারেই না লেফট লেফট নিচে ওটা এমনি হয়ে গেছে হ্যাঁ বাই চান্স ইয়ে ম্যাসকুলার এনার্জি বেশি না মানে আর ইমোশনাল এনার্জি বেশি লেফট নিচে রাইট উপরে ঠিক আছে আরামসে বেড যায় एक लंबी सी गहरी सी सांस ले और एक लंबी सी गहरी सी सांस को छोड़ दे और एक लंबी सी गहरी सी सांस को लीजिए और एक लंबी सी गहरी सी को सांस को छोड़ दीजिए ऐसा पांच बार करने की कोशिश कीजिए इनहेल डीपली एक्जेल एम सॉरी जिनको थोड़ा बोलना है वो बोल सकते हैं और जो मन ही मन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बोलना बहुत अच्छी बात है जिनकी कैपेसिटी होगा बोलिए अगर घर में प्रॉब्लम ना हो तो आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Don't talk. Disconnect to a you to repeat. I Sorry, I missed out. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू कोई एक इंसान के पीछे ये सब मत कीजिए ये टोटल यूनिवर्स को आप बोल रहे हो सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू सॉरी Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ऑलवेज आ क्लोज रहेगा सॉरी प्लीज फॉर मी थैंक यू आई लव यू अभी मनी मन फाइव टाइम्स आप लोग रिफिट कीजिए दिल से कोई इंसान बोल के नहीं पूरा यूनिवर्स को बोल रहा है आप जो भी किए हो जो भी मन में है सब चीज के लिए You are cleaning yourself. दोनों हाथ को रब करके अपना छाती पे रखिए छाती पे हर्ट चक्र में एंड थ्रोट चक्र में हम दिल से सबसे ज्यादा खराब सोचते हैं और मुंह से खराब बातें बोल देते हैं हम हील कर रहे हैं अभी हम एक काम करेंगे ये जो पेपर लेने के लिए बोली हूँ पहले हम जो कैंडल है उसको जलाएंगे जो कैंडल है उसको जलाएंगे जिनके पास कैंडल है जलाइए नहीं तो बाद में करने से हो जाएगा मैम कैंडल हाँ ना कि कुछ भी, भी। फायर एनर्जी से हम आसपास की जगह को क्लीन करना चाहते हैं जिनका कैंडल नहीं है वो अगर इसमें करें ना क्या बोलते है आपका जो अगरबत्ती हो या संबरती थोड़ा मोटा धूप आता है ना जैसे उसमें वो भी बहुत अच्छा काम करेगा ठीक है आप नहीं तो बोले। क्या से? कुछ भी कोई बात नहीं है आप अपने ऊपर सेवन टाइम्स घुमाइए या थोड़ा सा आसपास में घुमाने की कोशिश कीजिए कल घर में जब करेंगे थोड़ा सा घर रूम के अंदर या आपका पूरा घर के अंदर थोड़ा सा जस्ट फील करना मैं मेरा घर से पूरा एनर्जी मैं क्लीन कर रही हूँ जितना भी ब्लॉक नेगेटिव एनर्जी है सबको मैं वॉश आउट कर रही हूँ मैम मैम आरती करते हैं उसी तरीके से घुमाना ना हाँ 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 ऐसा कीजिए ऐसा ऐसा मतलब इंटेंशन शुड भी आप फायर के साथ हो आप फायर के साथ हो फायर क्या करता है हर चीज को शुद्धिकरण करते हैं तो घर में अगर नेगेटिविटी है ये ये बहुत अच्छा काम करेगा शिवानी हीलिंग तो होगा उससे पहले तुम्हें भी बहुत अच्छा काम करेगा जहां पर वो ये भी लेना और थोड़ा सा ऐसा जो धूप होता है वो हो वाला भी जो होता है वो लेके ना अभी फुल मून का एनर्जी हर जगह की मैं वॉश आउट कर रही हूं ठीक है ये वाला एनर्जी करना कि जो भी है मैं वॉश आउट कर रही हूँ डरना नहीं है क्योंकि फायर एनर्जी आपके साथ है आपका कुछ नहीं होगा ठीक है मैम एक बार बताएंगे कैसे मूव करना है अरे वैसे क्लॉकवाइज कीजिए ना क्लॉकवाइज सेवन टाइम्स ऐसा बॉडी ये जो आप लोगों को इतना नेगेटिव थॉट आता है सब नेगेटिव थॉट्स को वो भी तो नेगेटिविटी वो भी तो ब्लैक मैजिक खुद खुद के साथ कर रहे हैं आप एवरी मोमेंट सेवन टाइम्स घुमाइए कीजिए

आप हाँ। जब बाहर बाद में करेंगे यस टू मूव फर्स्ट एंड आफ्टर हाउस क्योंकि घर okay. में भी नेगेटिविटी होता मा... है भीजे ठीक है ठीक है उसके बाद ये हम रखिए मनी मन एक बार थोड़ा सा सांस लेके फील करना जैसे फायर का जो उत्ताप है जो एनर्जी है जो हीट है उससे आपकी आसपास की के और शुद्धि हो चुका है Just feel it. कि ये जो light है, ये तो सिर्फ लाइट नहीं है फायर है फायर का एनर्जी क्या क्या करते हैं सब कुछ जला सकते हैं देश को जला सकते हैं तो हमारा थोड़ा सा नेगेटिविटी को नहीं जला सकते वो भी जला दिया ठीक है सच में जलाते हैं ये मैं स्टोरी बनाने के लिए नहीं बोल रहा आप लोगों को खुशी देने के लिए इस मोमेंट पे हो हो पोनो पोनो करने की बाद आपका जो वाइब्रेशन हुआ है उसमें फायर एनर्जी ऐड किया जाए तो नेगेटिविटी क्लीन आउट होता है ठीक है आफ्टर दैट अभी हमें क्या करना है आपके पास टोटल टाइम क्योंकि नेगेटिविटी को हमें कच नहीं करना है

अच्छा आप लोग एक एक इंटरेस्टिंग बात बोलती हूँ उसके और भी आपका मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा फेथ होगा अपने कभी येलो मैनिफेस्टेशन करे हो मैं सच में जिंदगी में करके देखी हूँ तीन बार की तीन बार सक्सेसफुली हो चुका है मालूम है बच्चे की खेलने की जगह में येलो कलर का डक होता है ना मैम हाँ, मेरा पा खुद ही बंद हो गया हाँ फिर जलाइए मैं हूं सामने फिर जा रही है जहां पे बैठे हैं फैन चल रहा है नहीं मैम कुछ नहीं है इवन की कोई चीज भी नहीं है ठीक है मैं हूं चलाइए मैम आमिर की कैंडल जली थी वो मैं वही तो मिस कर रही थी वो कौन है लेकिन जो कैंडल कैंडल जलाइए जला जला मैम आज मैं लेकिन एनर्जी के कारण होता है ना कई क्या क्या मैम ये जो चीज अपने आप ये बुझने वाली जो चीज होती है कैंडल बंद मैम ये निगेटिव एनर्जी के कारण होती है ना मैम मैं डराने के लिए नहीं कर रही हूँ पर मेरे साथ ये चीजें काफी हुई हुई है हम्म ठीक है कोई बात नहीं मैं हूं चला दो रख दो ठीक है अभी हम स्टार्ट करते हैं अभी हमें अच्छा हम एक जो येलो डाक एक मैनिफेस्टेशन एक एग्जांपल दे रही हूँ कभी होगा तो मैं बना के भी दूंगी ऐसा वीडियो आप लोगों को सिखाने के लिए बोल रही हूँ बच्चे का होता है ना डाक फाक मिलता है ना पैक पक पैक पैक करता है ऐसा रॉबर का थोड़ा सा मोटा रॉबर का इसका कभी मैनिफेस्टेशन करके देखना अगर आपके सामने है तो अच्छी बात है नहीं तो फोटो देखना क्योंकि येलो डाक का मेरे पास था नहीं या मेरा साथ रिंगो का मेरा बेटा का खिलौना की बचपन में बोल रही हूँ खिलौना की जगह में था शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है फोटो देख लीजिए मालूम है चीज अगर सामने हो हो ना टच कर सकते तो आपकी ज्यादा मैनिफेस्टेशन इजी होता है उसको ना आप टच कर करके ना पांच मिनट उसकी तरफ अच्छा से देखो और जब देखना है मैनिफेस्टेशन का नियम क्या है बहुत अच्छी तरीका से देखना उसका होट कैसा है उसका आंखें कैसे है उसका पैर कैसे है उसका विंग uh, कैसे है बहुत मन लगा के देखिए हो गया आंख बंद करके भी आप क्या करोगे ये जो डक देखे हो इसको आंख बंद करके भी एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए दो पांच मिनट करके उसको रख दो फिर कोई पूरी जिंदगी भर डाक डाक लेके सोचते नहीं है अगले फोर्टी एट आवर्स के अंदर आपको डाक दिखाई देगा आप दुकान में जाके आते जाते की रास्ते में देख सकते हो आप कोई जगह में लोगो देख सकते हो आप किसी का खिलौना में देख सकते हो अभी घर में नहीं मैं आग बंद करके बैठी रहू ऐसा नहीं चलेगा आप नॉर्मल रहोगे मगर डाक के पीछे नहीं दौड़ोगे तीन बार हुआ है मेरा ये चीज सच में मैनिफेस्ट होता है छोटा मोटा जब हम पहले जब मैं मैनिफेस्टेशन की कोर्स कराती थी तब कभी डायरेक्टली ट्विन के लिए या शादी के लिए मैनिफेस्टेशन या नौकरी के लिए नहीं कराती थी छोटा मोटा चीज से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कराती थी, थी पेन लेके पेंसिल लेके कटॉफी लेके चॉकलेट लेके इंसान जब छोटा मोटा चीज मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तब जाके इंसान के मन में एक पावर आ जाता है कि नहीं मैनिफेस्टेशन सच में होता है और वो शक्ति आपको और भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प कर देते हैं कभी येलो डग वाला करके देखना क्या काम करते हैं या पेंसिल येलो डग की जगह पेंसिल ही कीजिए ना ये वाला पेंसिल ये वाला पेन देखना कहीं ना कहीं से आपके सामने आ जाएगा एक बार एक पहले जो बहुत पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं ज्योति शायद उस टाइम में थे हम लोग हाँ ज्योति ज्योति तुम लोग नहीं थे जे नहीं हो हाँ तो एक बार हम इसमें कराया था शायद एक, एक टेडी बियर लेके कराया गया था ज्योति था या नहीं जयती उज्जैनी नी हाउारोती उजी उज्जैन नहीं देना उज्जैन नहीं देना उज्जैन पहले पिंक कलर का टेडी टेटमेंट जो भी होती मगर मैं जो कर बहुत पुराना ये तो नया है ये लोग इनके लिए नया मीन्स मैं एक दो साल का भी नया ही बोल रही हूँ मैं बहुत पुराने की बात कर रही हूँ जो लोग मेरे साथ थे जयती मधुमिता सीमा नहीं नहीं ये लोग अच्छा हाँ, ये लोगों का अच्छा तो जहाँ पे भी हो तो हम टेडी बियर लेके कराए थे तुम्हें हम तुरंत देख सकते तुरंत देख सकते है तुम मेरे साथ कब से जुड़े हुए हो এরকম হয় যে ধরুন কারোর কোন একটা নাম ধরুন একটা নাম আপনি একটা কোন নাম একটা কোথাও দেখলেন ইউটিউবে দেখলেন কোথাও একটা দেখলেন এবার নামটা নিয়ে দু একবার लोग से दौले दौले से, ये ये मैनिफेस्ट होता है ये जो ट्वीन की नाम आप लोग इधर इधर उधर उधर देखते रहते हो हो उनका ये आपका। आपका मैनिफेस्ट खुद के अंदर का फाइट क्यों नहीं छोड़ सकते 24 hours, मैं बोल रही हूँ कोई कॉम्प्लेन नहीं जिंदगी से अगर खुद को पता चल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ कितना परसेंट मैं कर सकती हूँ कितना परसेंट नहीं कर सकती हूँ करके तो देखिए क्या गजब सब प्रेयर जब भी आप करेंगे ये बिल्कुल कीजिए एंड ब्रीदिंग ये अगर कोई करे ना उनको नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकते कोई भी नेगेटिविटी खाली नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत का नहीं होता खुद के अंदर ऐसा भूत होता है बाहर के भूत डर जाएंगे वो देख के

हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन में अगर अपना करियर लेके इतना ज्यादा सोच में आ जाओ इतना ज्यादा सोच कर सोचो इतना काम करो नेचुरली ट्विन आ जाता है ट्विन क्या आपको पैसा देख के दौड़ के आते है? नहीं आप उनसे एनर्जी कट कर दिए हो इसीलिए आ रहा है भी एक क्वेश्चन पूछूं मैंने इसी के रिगार्डिंग अभी आप जो जैसा बोल रहे थे ना डक का आपने एग्जांपल दिया वट वट कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में जा रहे हैं कहीं पे भी सडनली हमें कोई चीज दिखाई दी कुछ भी लेकिन हमारे माइंड में आया कि यार इसकी बजाय अगर वो दिखता तो और आफ्टर फ्यू टाइम मतलब कुछ देर के बाद वो चीज दिख जाती है तो इट्स ऑल्सो दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन हंड्रेड परसेंट मैनिफेस्टेशन हंड्रेड परसेंट ये मैनिफेस्टेशन है मैम अभी अभी जैसे इन्होंने बोला कि मैं ट्रेन ट्रेन के बारे में ऐसे सोच रही हूँ उसके जो रिप्लेस करके मैं क्या थॉट लाना चाहिए मुझे ब्यूटीफुल लाइफ ये कब बात करेगा ये कब आएगा नहीं आई एम वेरी हैप्पी विथ माय लाइफ मैम हाँ, हाँ? मैम हम यदि नोटों को मैंने नोट नोट मन में सोच के और फिर मैनुफेस्ट करे कि अपने पास आए इतने सारे नोट तो मैम होगा क्यों नहीं होगा आप मारवाड़ी है मैम इतना मैं भी बोल रही हूँ मैं थोड़ी है मैंने मैं कभी थोड़ी है विनीता जी थोड़ा कीजिए अगर आपका सक्सेसफुल हुआ मैं नेक्स्ट दिन बैठ जाऊंगी ना क्यों मैम क्यों नहीं, नहीं। होगा सुनो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल अगर उस सॉरी सच... मैम हम्म या सॉरी मैम वो ये फिर से बंद हो गए यार मोमबत्ती दूसरा कैंडल है जी मैम दूसरा कैंडल की कीजिए हरिये मत कीजिए मैम हम्म मैम मेरी कैंडल बहुत छोटी थी वो बर्थडे वाली थी वो तो अपने आप ही वो खत्म ही हो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत नहीं जाने दीजिए इसके ओके, बाद ओके, अगर करें और मैम मेरे को मैनिफेस्टेशन का पूछना है कि हमने डक आप बोल रहे थे कि अगर सामने हो तो ज्यादा अच्छे से होगा अगर नहीं है तो हम विजुअलाइज करें खाली डक को पहले एक फोटो देख लीजिए यूट्यूब से येलो डक बोल के ओके कुछ भी एक डाक की फोटो डाक नहीं है मैम फोटो कॉमन चीज़ है जीज़ बोल के आपको अगर कोई तितली का देखना है किसी आपको फोटो में इसमें कीजिए ना एक डॉगी तो मैं क्या बोलू मैं बटरफ्लाई को देख के क्या सोचना क्या है कुछ नहीं सोचना है उसको उनको अच्छा से एकदम डीपली देखना है ज्यादा सोचना नहीं है ना इसीलिए जल्दी देख पाएंगे आप मैनिफेस्ट हो जाएगा बहुत अच्छा से देखना उसका पूरा कुछ ऐसा देख के बहुत मन लगा के देखना उसके बाद उसको बंद करके रख दो देखना ओके okay. क्या है हेलो मैम हाँ मैम क्या होना चाहिए हाँ एकदम भालो बोलो मैम हमें एक टाइम सेट दी थी चाहिए जिन्ही क्वेश्चन टक पड़े सिलन हमें অটোবায়োগ্রাফি অফ ইয়োগী তো ওতে লাহিড়ি বাবু বলেছিলেন যে আমি টাকাটাকে দেখতাম না সাপোজ আমি কোনো জায়গায় যেতে হবে তো গাড়িটা মিনস দ্য ওয়ে লাইক আমাকে ফল খেতে হবে তো আমি আমটাকে ভিজুয়ালাইজ করতাম আমি প্রপারলি অ্যামাউন্টটা কিছু না কখনো যেতাম না সো ম্যানিফেস্ট হয়ে যেত এবং ক্রিয়া য়োগে এটা খুব মানে পারফেক্টলি ডিফাইন করা আছে অ্যাবাউট দিস ম্যানিফেস্টেশন হ্যাঁ 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 আমি এটাই ওনাকে বলবো कुंडली शुभेंदु लहिहरी एंड और एक मजेदार बात बोलती हूँ अभी ठीक है अभी इतना नहीं बोलना चाहिए ये शुभेंदु लहिरी जो है ना ये मेरे पापा का बड़े पापा की बेटा है बहुत वो एजेड है वो बड़े पापा की बेटे शुभेंदु लहरी है तो ये कुंडली में शुभेंदु लहरी का बहुत ज्यादा काम है कुंडली में भी बहुत ज्यादा ये मैनिफेस्टेशन लगे क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज अ तंत्रा एंड कुंडली ऑल्सो अ तंत्रा

मैम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं हाँ पूछू आ, आ मुझे बस इतना पूछना था कि ट्विन तो इतना हार्टलेस क्यों होता है मतलब इतना ज्यादा हार्टलेस होता है कि हमें इतना हार्टलेस बना देता है इस मोमेंट तक लाकर फिर पीछे पीछे घूमने लगता है हार्टलेस नहीं होते हैं अब जैसे मैम अभी जिस स्टेज में को ट्रिगर करते हैं

पेन से ये जो थॉट ये तो आ तो आ गया है है अभी हो चुका मगर उनका प्रीवियस चीज को छोड़ नहीं पा रहे मैं आज, हो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही कॉल बट नहीं अच्छा, में और फुल मून में दोनों में जैसे आज सुबह मैं उठी मुझे सारी चीजें रिकॉल हो गई इतना गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था फिर दोपहर में अपने मन से मैसेज आ गया कि मेरी तबीयत खराब है तो दया आ रही थी लेकिन कोई फीलिंग नहीं आ रही थी झूठी हाँ, बोल रहे हैं तो आप मैनिफेस्टेशन होने के दो ही रास्ता में आपकी ब्लॉकेज है एक पास्ट को लेकर सोच रहा है ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए आप प्लीज सोचिए कि नहीं मुझे नहीं हाँ, लिए वर्क करेगा हाँ, लिए वर्क करेगा आपको सिखाने के लिए ऐसा हुआ है आपको भी बहुत हुआ है समझ में आज भी तो नहीं मिलता। आप, हो मेरे, आप मेरे लिए सब हो कैसे वो तो हो? हो मैम ये तो बात है तो? मैं तो हमेशा रहना चाहूंगी चाहे ट्विन आए चाहे ना आए वांट टू बी विद यू बट ट्विन नहीं आते कैसे टीआ मैम मिलता यहाँ पे बहुत लोग है

Mm. like uh, you said about a duck or a pencil or something mm. so uh, what we have to see you have to see the some things and you uh, have to see it thoroughly and uh, very, thoroughly, very huh. minutely thoroughly and after that leave it you should huh. not think about this thing you can huh. see if you are thinking actually you are manifesting the process is right so within 48 hours you can see it in picture huh. बिकॉज in in uh, like... right? तो okay, okay. ऑफ uh, see, see uh... ये क्यों कराया जाता है आप अगर सिंसियरली छोटा मोटा चीज को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो आपके हाँ। लिए ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर रिस्पेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर बिलीव आ जाएगा जब ट्रस्ट बन जाएगा दैट टाइम यू कैन मैनिफेस्ट बिग थिंग योर सर्व जॉब योर एवरीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट दैट टाइम क्या okay. होगा क्वेश्चन नहीं होगा मैनिफेस्टेशन में सब सबसे बड़ा अगर कोई चीज प्रॉब्लम करता है दैट इज योर मेंटल ब्लॉकेजेस रिलेटेड okay. wow. no, तो okay. ना भी हो wow. अपना ब्रेन वो लैंग्वेज नहीं समझते फ्रिक्वेंसी को समझता है यूनिवर्स मैं बंगाली में बोल रही हूँ आप कनाडा में बोल रहे हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इज वाइब्रेशन ये बात इस एनर्जी को सही कर ठीक है अभी हम सेकेंड स्टेज क्या करना है ठीक है सेकेंड स्टेप क्या करना है फर्स्ट जब करेंगे उसमें क्या बोला मैंने अब इंटरप्ट मत कीजिए मिडिल में फर्स्ट क्या करना है अभी क्या करना है थर्ड में हो फर्स्ट आपने फर्स्ट आपने लिखा राइट right, हैंड right से आपने ब्रीदिंग किए आपने लेफ्ट से लिखे आफ्टर दैट हो हो पोनो पोनो किए एंड आफ्टर दैट जब अकेले बैठ के करेंगे देखना बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे भी रहा है, कोई बात नहीं. इसके बाद आपको क्या करना है आपको तीन पेपर को पीस करके आप सुनिए मेरे बात इसको आप flowers से भी कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक थ्री flowers and do थ्री leaves से भी कर सकते हैं बट आपको पेपर लेना है तो पेपर में लिखना है तो लिखिए नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए पेपर में तीन चीज को लिखना है जो पास्ट से आप निकालना चाहते हैं ऑलरेडी आपने लिख चुका है उस पेपर को राइट उसको अगर छोटा सा पॉइंट में लिखना है या उस पेपर को लेके सोचना है सोचिए या तीन छोटा छोटा पेपर काटिए क्योंकि अब मैं पानी के अंदर फेंकूंगी उस पेपर को पानी पीना नहीं है आपको इस बार ठीक है तीन छोटा छोटा पीस पेपर को काट लीजिए अगर आपके सामने फ्लावर है तीन फ्लावर ले सकते हैं तीन लीव्स ले सकते हैं मैम फूलेर मुद्दे की कोरे लिख बो लिखते हो हाँ भी ना अच्छा, तो अच्छा फूल आमा सामने आ तो हैं यानी आमा तीन फ्लावर लिखे हो तीन ले लीजिए तीन लीजिए थ्री फ्लावर लिख लीजिए मैम किस पेपर के पीसेस करने समझ नहीं आया जिस पेपर आपके सामने है सोनल उस पेपर का छोटा छोटा तीन ऐसा सीधे सीधे करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं तीन पेपर का थोड़ा छोटा छोटा जो आपको ग्लास में रखना है मैम उससे पढ़ लीजिए साइड से पढ़ लीजिए पेपर नहीं नहीं मैम जिसपे वो जो मतलब गो गोथ्रू कर जो निकालना था जिंदगी से वो वाले तो नहीं ना अलग प्लेन पेपर अलग हो अलग हो या उससे प्लेन पेपर फुल ठीक होता है

सिंगल लाइन सी सिंगल लाइन छोटा मेरा पीस चाहिए एक प्याज ऐसा ऐसा छोटा छोटा उससे भी बहुत छोटा क्योंकि पानी के ओ. ग्लास के अंदर फेंकना है मुझे ना ना ऐसा आ, चलेगा हाँ चलेगा थैंक यू कर लिए हाँ, मैम प्ले, प्लेन पेपर मस्ट नहीं है ना लाइनिंग वाला ले सकते हैं ना कुछ भी लीजिए कुछ भी लीजिए पेपर की जगह फ्लावर लीजिए कुछ भी करिए फ्लावर से भी होगा तीन अलग अलग कलर का अगर फ्लावर हो ले लीजिए एक कलर का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अभी एक तीन तीन अभी क्या है ये जो पेपर है एक पेपर को हाथ में लीजिए लीजिए उस पेपर को हाथ के ऊपर ऐसे रखिए लेफ्ट को रख के ऐसे कीजिए मैम फूल की रकम सेम फ्लावर ऐसा सेम करना है हाथ के ऊपर रखिए एंड मन आपको पास्ट में जो चीज आप एक्चुअली थ्रो करना चाहते हो जिंदगी से निकालना चाहते हो इस तीन पेपर में इस एक पेपर में या एक फ्लावर में उसको एनर्जी को फिल कीजिए क्वांटम जंपिंग भी बोला जाता है इसको जो भी हो इसको फील कीजिए कि ना ये चीज मुझे निकालना है अपनी जिंदगी से अननेसेसरी थॉट्स लेफ्ट हैंडेड आपको लेफ्ट हैंडेड है क्या राइट हैंड दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कुछ भी कीजिए आप एनर्जी दे दो मैम जो पहले लिखा था वो भी रिपीट कर सकते हैं कि नहीं हाँ, तीन चीजें हाँ वो कीजिए वो कीजिए एक चीज है या कुछ भी जो भी है पास्ट उसको कीजिए और मैम किसी पर्सन के लिए भी कह सकते हैं कि ये रिमूव हो ऐसा कह सकते हैं आ, आ, क्यों नहीं कर सकते मैम कैन यू रिपीट अगेन हाथ में तीन पेपर जो लिया या आपके पास तीन फ्लावर है या तीन पेपर है उसमें एक लीजिए एक टुकड़ा लीजिए करके हाथ ऐसा कीजिए पास्ट से जो चीज आप रिलीज करना चाहते हो उसको बोलिए मनी मन ना आई आई वांट टू रिलीज दिस एनर्जी मे बी आपकी हस्बैंड की बिहेवियर आपको पसंद नहीं इसकी मतलब ये मत बोलिए मेरा हस्बैंड मेरे, मेरे जिंदगी से रिलीज हो जाए बिहेवियर उल्टा पुल्टा मैनिफेस्टेशन मत कीजिए अगर जिसको करना है टाइम पॉलिसी की बात है वो कर सकते हैं। होने के बाद इस जो फ्लावर हो ये पेपर हो पानी की जो ग्लास है उसके अंदर फेंक दीजिए पानी नहीं फेंकना है पानी के अंदर उस पेपर को फेंकना है ठीक है दूसरा पेपर ले लीजिए दूसरा पेपर में एक बार बहुत मन लगा के सुनिए पावरफुल ये चीज दूसरा पेपर लेके जो आपको मैनिफेस्ट करना है इस मोमेंट पे आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो कमिटमेंट कम्युनिकेशन नौकरी वाट उसको बोलिए हम ग्लास से पानी थक बे राइट हाँ हाँ वो हाँ, हाँ, पानी थी फर्स्ट पेपर तो फिल दी हूँ तीनी पेपर सेकंड जितना बोलता है हाँ वे हाँ, हाँ, सेकंड सेकंड जितना बोलता है हाँ वे जितना कि प्रेजेंट टेंस है हाँ वे मैंने होते वा हॉबे हॉबे बोल ले हॉबे हाँ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना तो ऐसे करना है कि मैं आई एम वेरी हैप्पी विथ माय ट्विन कम्युनिकेशन आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम वी आर वेरी हैप्पी बोथ टुगेदर इस टाइप ऑफ यू मैम दो चीज दो चीज विश कर सकते हैं एक 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 ही एक ओके ठीक मैम सेकंड पेपर है आमी जेटा चाची ओटा बोल बोल बो अच्छा mom hmm. ah, yes, one sir. question ah. what we are happy with it or what we want in life that has to be uh, told well, whatever you actually want in your life you, ah. you just think about in mm. present tense I am already happy ok Again, present okay. continuous okay. tense you have to tell Okay. perfect tense present perfect or present continuous ah. ok thank you ये अगर करना हो गए होंगे तो आप ये पेपर को भी पानी में फेंक दीजिए और एक जो टुकड़ा पेपर है उसको लीजिए एंड ये जो आप मैनिफेस्टेशन किए हो इसका फ्यूचर क्या होने से आप खुश रहोगे साउंड मैम हाँ उसका उसको आपको क्या करना है थर्ड पेपर जो लेना है हाथ पे उसमें हम क्या करेंगे कि अगर मैं अगर कम्युनिकेशन चाहू या मैं शादी चाहू या मैं नौकरी चाहू फॉर एन एग्जाम्पल मुझे शादी में कनेक्शन चाहिए कम्युनिकेशन चाहिए एंड प्रॉपरली शादी चाहिए हो गया करने की बात फ्यूचर क्या चाहती हूँ फ्यूचर में ये जो शादी हुआ है इसमें मैं खुश रहना है ऐसा नहीं है फ्यूचर तो चाहिए बस हो गया मैनिफेस्टेशन उसके बाद खराब ना हो जाए

बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ रहा है, ये चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हूं, अभी मैं कि मेरा ऐसा हो जाए उसके बाद मैं हेल्थी हूँ जिंदगी भर के लिए इज माई फ्यूचर मैं नौकरी चाहती हूँ सुंदर करते चाहिए स्वाभाविक निकल के आओ फिर आगे मत कैसे सुंदर चाहते हो बस समझ में आ कहाँ कहां मैनिफेस्ट आगे। नहीं होता है अगर मो तो पता नहीं है अगर मो तो से अच्छा होगा ठीक है चलो तो फ्यूचर ऐसा जो भी आप चाहते हो फ्यूचर वो मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट इन द सेंस ऐसा बोलो आई एम वेरी हैप्पी विजुलाइज कीजिए जो भी है विजुलाइज कीजिए जस्ट वन क्वेश्चन हाँ संध्या एक्चुअली मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना थोड़ा टू मिनट्स इसके बाद ये जो पेपर है हम थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं। अभी जब अकेले करेंगे थोड़ा टाइम लेके करना बहुत ज्यादा टाइम मत लेना इसके बाद इस चीज को आप फिर से यो पानी की जो ग्लास है उसमें फेंक दीजिए ठीक है अभी आपको ये लेके कुछ नहीं करना है अभी हम मेडिटेशन में चले जाएंगे आपको क्या करना है बोल रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन की बाद हम लोग और बातें नहीं करेंगे बात जो है ये जो ग्लास है इसको हम कोई भी आर्थ से रिलेटेड एलिमेंट में डाल देंगे लाइक like, जमीन पे डाल सकते हैं। अगर फ्लावर पॉट है जो मड है जहाँ पे गमला है उसमें डाल दीजिए समझ में आया उसको रहने दीजिए दी 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 क्लियर बोल करेंगे अभी करेंगे इस चीज को अभी ये जो हो गया ये काम हम लोगों का हो गया और रात के काम में क्या क्या करना है आज रात के काम में करना है हम अगर क्रिस्टल रखते हैं नॉर्मली जब भी हम मेडि, मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन फुलमून का करते हैं नॉर्मली क्रिस्टल में क्ली टाइप फिर आपका रोज क्वार हाँ, आपका पाइराइट सीट्रिन मतलब आर्ट एलिमेंट से रिलेटेड जो होता है ना उसको हम पास में रखें तो मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है ठीक है पास में हाँ पास में रहे तो मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है अगर नहीं तो की बोल रहे वेट अभी तो बोला अभी जस्ट बोला कि नहीं तो बाहर में जाके जब हो जाएगा सब कुछ जमीन पे फेंक दो अदरवाइज किसी के पास के समेत ना रश्मि दी के समेत ठीक है दो मिनट दीजिए लेके आते हैं क्रिस्टल और रात को क्या करना है जिनके पास क्रिस्टल है वो लोग है फुल में न्यू में चार्ज करना पड़ता है एक कांच की बोल लीजिए या मिट्टी का भी होगा कांच का भी होगा कांच अच्छा होगा उसमें सब क्रिस्टल जो भी है सब लेके आप मून लाइट में रखते साथ ही

एक पेपर में नमक के लिए बोले थे ना उसको हम सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज सेवन टाइम्स घुमाएंगे आई एम रिमूविंग माय ऑल नेगेटिव पार्ट ऑल पास्ट ऑल थिंग नेगेटिविटी एवरीथिंग आई एम रिमूविंग मैं अपनी जिंदगी से सब कुछ मेरे दिमाग से मैं सब कुछ एकदम क्लीन कर रही हूँ कितना नेगेटिविटी है मेरा जो भी नेगेटिव थॉट्स है अगर ऐसा साइकिक अटैक है मेरे साथ मतलब मेरे ऊपर दृष्टि है या कुछ भी साइकिक अटैक बोला जाता है कुछ भी है हर चीज को मैं रिमूव कर रही हूँ ठीक है आज फुल मून की एनर्जी में ना एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज जो कैंडल की थी वो क्लॉकवाइज की थी एनर्जी को एनहांस करना और एंटी कर क्लॉकवाइज मुझे नेगेटिव एनर्जी को दूर करना एक साइड में बाद में एकदम बाहर फेंक देना बाहर फेंको या पेपर उसके साथ जला दो जला के फेंक देना और इस किसी के जो हाथ में ना लगे हाँ किसी के तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी किसी के हाथ पे क्यों जाए मैम well, अभी अभी बर्न करना या बाद में करते बाद में एक साइड में रख दो बच्चे का हाथ में नहीं जाना चाहिए बस ठीक कर देना ठीक है पास में रख दो बेटर रख दो नमक रहना अच्छा है कितनी बार घुमाना है मैम सेवन टाइम्स <laughs> पेपर सहित ही घुमा ले हाँ पेपर समेत हाँ पर समझा मैम ऐसे बोलते हैं ना खाली नमक नहीं चाहिए खुद से। हम्म हम्म ठीक है। अभी पांच मिनट का मैंने मेडिटेशन करेंगे पांच से दस मिनट का और इस पांच मिनट नहीं होता उसमें ऐसा होगा क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा जो भी हम किए हैं जो भी चाहते हैं या वो चीज को हम ग्रेटिट्यूड के साथ ये करेंगे divine को हाँ एक साइड में रख दो हाँ मैम नून का वो जो नोन वो क्या करना है उसको भी बर्न करना है अभी नहीं करना बाद में रख दो हाँ बर्न करके उसको ये कर देना नहीं तो मैम पानी का वो इस जो पानी जो है এই ওয়াটার কি সাথ যে পেপার সব अगर कोई গামলা है টবের মধ্যে যদি গাছ থাকে বা তুমি তো ফ্ল্যাটে থাকো তুমি তো একদমই ফট করে মাটি পাবে না যদি কোনো গাছ থাকে এরম থাকে তার মধ্যে ঢেলে দেবে বাস হয়ে ঠিক আছে ওই তিনটা ভিজা কাগজ কাগজ উইথ ওয়াটার উইথ ওয়াটার ওই পানি মাটির মধ্যে দিয়ে দিব রাইট আফটার মেডিটেশন और एक पेपर में नमक था ना थोड़ा रखने के लिए है? बोली वो थी क्लॉक क्लॉकवाइज सेवन टाइम्स सिर के ऊपर से घुमाने के लिए बोली थी कि मेरा जितना भी है, है अगर दूसरे के लिए मेरा नेगेटिविटी क्रिएट होता है या खुद का ही नेगेटिव थॉट्स है मैं सब कुछ क्लीन कर रही हूँ

कर लो फिर मैं मेडिटेशन कराऊंगी ग्रेटिट्यूड का आपके सामने बहुत अच्छे से हुआ है अगर मैं रिपीट ना भी करूं तो चलेगा ना इनर वर्क जैसा चलेगा चलेगा कोई जरूरत ही नहीं भाई मैं तो सबसे पहले कॉम्प्लेन नहीं करूंगी वो वाला अच्छे से करूंगी आ, मैं थोड़ा सा भी चिड़ना रहे वो कोशिश करूंगी एग्जैक्टली ক্যান্ডেলটা জ্বলতে দেবো তো টিয়া হ্যাঁ জ্বলতে লাস্ট ফুল যে তুমি মেডিটেশন করিয়েছিলে না ম্যানিফেস্টেশন করিয়েছিলে না তুমি জানো এখন আমার কি সিচুয়েশন চলছে খুব টাফ একটা ম্যানিফেস্টেশন কিন্তু আমার পূরণ হয়েছে এই মানে

जो इनका आशा ही नहीं था होगा वो टफस्ट चीज उनका हो गया है वो बोल रहा है बैंक के रैक्टा तो कच्ची लो माने खूब ही माने সেটা হওয়া খুব টফ ছিল টু টফ ছিল কিন্তু একবারে ইজিলি হয়ে গেছে একবারে ব্যাংক কা ফচ ওয়ার টফ ওয়ার تھا वो इजीली हो गया था सो इस चीज को बहुत सेंस मैम मैम আমার তো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজটা একটু দেখিয়ে দিবেন প্লিজ একটু অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজটা একটু দেখিয়ে দিবেন প্লিজ আমার ঠিক আছে কিনা এভাবে

आराम से बैठ जाइए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में आंख सहजता से बंद अपना जो आईब्राउ सेंटर के मिडिल में अपना अवेयरनेस को लेके आइए अपना जो अवेयरनेस है अपना जो सोच है ये दो आईब्राउ सेंटर के मिडिल में लेके आइए एक लंबी सी गहरी सी सांस को लीजिए और एक लंबी सी गहरी सी सांस को छोड़ दीजिए और, और एक लंबी सी गहरी सी सांस को लीजिए और एक लंबी सी गहरी सी सांस को छोड़ दीजिए धीरे 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 फील कीजिए आपकी सिर के ऊपर 200 से 250 मीटर के की दूरी से एक बहुत बड़ा सा विंडो है आसमान में एक विंडो है आप खुला एक जगह में बैठे हुए हैं जहां पे आसपास पे कोई नहीं है अंधेरा है और सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा विंडो है जो जिसका दरवाजा आपकी तरफ खुलता है आपकी सिर के ऊपर खुलता है और वहां से दैव यूनिवर्सल एनर्जी रेकी एनर्जी आपके सिर के अंदर से वहां से निकालते हुए धीरे धीरे आपकी सिर के ऊपर गिर रहा है और पूरा सिर को होते हुए पूरा शरीर में छा रहा है आपकी फोर हेड आपकी आईज नोसोट स्लीप्स, एवरीवेयर आपका चेस्ट आपका abdomen, आपका पे लेग हैंड शोल्डर हर जगह में ये लाइट पूरा उजाला पूरा छा रहा है अब धीरे 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 फील कीजिए कितना हील्ड फील कर रहा है और आपके शरीर के अंदर में हर चीज हर नेगेटिविटी ब्लैक धुआं की तरह बाहर निकल गए और ये जो रोशनी है आपको पूरा भर के आपको पूरा भर के शांति से एकदम शांति से आपको बैठने में के एकदम हेल्प कर रहा है ये चीज धीरे धीरे फील कीजिए ऊपर में जो विंडो है वो विंडो नहीं है वो बहुत बड़ा सा एक चांद है मून है जैसे आप छू सकते हो ऐसा नजदीक से आप चाँद को देख सकते हो वो चाँद की रोशनी आपको पूरा भर रहा है पूरा शरीर को आपकी पूरा शरीर को भर रहा है आप समझ सकते हो कि आपके शरीर की बाहर में जैसे एक आलो की रोशनी जैसे निकाल रहा है एक लाइट की रोशनी जैसा निकाल रहा है आपका और जैसा एकदम ब्राइट लाइट आप जीन हो, जिन्होंने जो भी मेडिटेशन किए हो जो भी मैनिफेस्टेशन किए हो फील कीजिए ये जो सामने खुला सा आसमान देख रहे हैं उसके सामने आप देख सकते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए आपकी जो पसंद की पर्सन है उसके साथ शादी या आपका ही शादी या आपका बिजनेस या हाँ मानी अगर आप नोटो की गट्टी देखना चाहते हो वही देखिए ना अब जो भी देखना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो चुका है इस एनर्जी में सोल लेवल में बस फिजिकल लेवल में आने के लिए आपको बस आप अप अप्रोच कर रहे हो इस चीज को जैसे खुला सा स्क्रीन जैसा एक आसमान जो चांद की रोशनी से भरा हुआ है अब देख सकते हो आपका जो ड्रीम है डिजायर है आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो आसमान में आप देख सकते हो ये जो रोशनी आपके शरीर का हर दर्द से मुक्त कर दिया आपको हर चीज से मुक्त कर दिया आपको अभी आप देखिए सामने जो आपका डिजायर है कैसे ट्रुथ बन के सामने खड़े हो गए हैं आपका डिजायर कैसे ट्रुथ बन के सामने खड़े है अब एवरी मोमेंट का मजा लीजिए अगर आप देखा जाए कि किसी के साथ शादी तो आपको कैसे छू रहा है आपको कैसे बोल रहा है अगर आप देख रहे हो कि नौकरी तो वो कैसे हो रहा है आपका जो चेयर है वो कितना अच्छा है जिस चेयर में आप बैठे हैं आप अगर बच्चे के लिए प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हो यू जस्ट फील आपके बच्चे कैसे मां बोल के नरम नरम हाथों से आपको एकदम अच्छा से पकड़ लिया अगर आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हो बस आपका एक स्माइलिंग फेस जिसमें हर शांति छुपा हुआ है हर ब्लिस छुपा हुआ है उसको देखिए जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है आप देखिए जो ट्रुथ बन के आपके सामने आज स्क्रीन में खड़े है सामने है जी आपके पास में अब जो भी डिवाइन को मानते हो वो एक बहुत बड़ा लाइट की उड़ जाए गोला बन के आपकी साइड में घूम रहा है जो भी डिवाइन को मानते हो वो बहुत बड़ा एक लाइट की ऊर्जा आपके पास में खड़े हो रहा है आपके साथ घूम रहा है आपकी डिजायर के पास में आपकी ट्रुथ के सामने से घूम रहा है और उनसे निकालते हुए और भी ऊर्जा आपके डिजायर को और भी स्ट्रोंग बना रहा है जो चीज आपके पास में हेजी हेजी लग रहा था वही बहुत ब्राइट होकर आपके सामने आ चुके हैं आपके डिजायर ट्रूथ बन के आज आपके सामने खड़े है जहां पे कोई पास्ट ट्रॉमा है ही नहीं सिर्फ शांति ब्लीस खुशी लव केयर अगर आप देख रहे हो कि आपके आसपास पे फूल है तो फूल की स्मेल लेने की कोशिश कीजिए अगर आप कुछ मानी का भी आप सोच रहे हो कि ये इतना मुझे करोड़ों में चाहिए सौ करोड़ में चाहिए जो इनका जो भी है उस जैसे टच करने से आपको क्या फील होगा वो वाला फील कीजिए अगर आपको आप ट्वीन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके छूने की बात आपका क्या फील हो रहा है उसको फील कीजिए मगर कोई जगह में तकलीफ नहीं तकलीफ नहीं है इट्स पे। पे ट्रुथ जहां पे आप दर्द में रहोगे वो चीज मैनिफेस्ट होगा ही नहीं आपके लिए हर चीज आपके सामने फील कीजिए आपका जो भी आप विजुअलाइज किए हैं वो एक फिर से एक जैसे आग की गोला बनके के या ऊर्जा एक्चुअली आग की गोला नहीं बोलूंगी एक डिवाइन ऊर्जा बनके आपकी जो मॉलिकुलर बॉडी है ना फिजिकल बॉडी के बाहर जो और वाला एनर्जी है वो धीरे 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 आपकी तरफ आ रहा है और आपकी पूरा बॉडी में समाहित हो रहा है एकदम धीरे 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 आपकी बॉडी में अब्जॉर्व हो रहा है वो इच्छा वो विश आपके हर चक्र में आपकी रूट एकदम स्पाइन के नीचे रूट में उसके ऊपर में सेक्रल चक्र में ऑरेंज कलर का या पूरा बॉडी में जिनको इतना चक्र में प्रॉब्लम है वो पूरा बॉडी में देखे कि एक आग ऊर्जा एक डिवाइन ऊर्जा के पूरा बॉडी में छा गया फील कीजिए इस डिवाइन कॉन्सेंसेसनेस को जो आपके शरीर में छा गया है आपके कॉन्सियसनेस के साथ ये किया है यहाँ पे सब कुछ हो सकता है अगर डिवाइन चाहे सब कुछ हो सकता है यहाँ पे नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर क्योंकि आपके अंदर भक्ति योग है आज हम लोग ये भक्ति योग का ही एक्चुअल यूज कर रहे हैं आज की मैनिफेस्टेशन में सरेंडर टू गॉड आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू ये हम डिवाइन को बोल रहे हैं जो भी किया है यहाँ पे ना ट्वीन ना कुछ सब कुछ डिवाइन है यहाँ पे ट्वीन मेरी डिवाइन है मेरे मैनिफेस्टेशन मेरा डिवाइन है मेरा ट्रूथ मेरा डिवाइन है आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू सिर्फ लास्ट प्यार तुम ही हो मेरा हर दर्द के लिए हर गलती के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ मुझे क्षमा करो मेरा धन्यवाद कीजिए आज मेरे पास शायद खाना भी नहीं है मगर मेरे हाथ है मेरा जान है अभी तक मेरे बॉडी में थैंक यू आई लव यू आपसे बड़ा सच्चा आपसे बड़ा प्यार मेरे लिए कुछ है ही नहीं सबसे बड़ा प्यार तो आप ही हो धीरे धीरे फील कीजिए ये जो उड़ जा जैसे आपको टच करके आपको आशीर्वाद दे रहा है फील द टच डिफाइन टच जिसमें मैजिकल वे में हर चीज आपकी जिंदगी से चेंज हो जाएगा चेंज हो गया और यही ऊर्जा धीरे 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 उठते 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 जैसे ये जो फुल मून है इसमें समाहित हो रहा है वही ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर से बह के एकदम जमीन से होते हुए मादर आर्थ की डीप सेंटर तक जा रहा है आपकी बॉडी से निकालते हुआ ऊर्जा पूरा आपकी बॉडी से पूरा क्लीन होके धीरे धीरे एकदम मादर आर्थ तक जा रहा है और वहां से शुद्धिकरण होके धीरे धीरे जैसे पृथ्वी से भी वही ऊर्जा धीरे धीरे आके आपके पूरा शरीर को छा दिया है खुद की तरफ बस एक बहुत ज्यादा उजाला फील कीजिए कीजिए, प्रणाम कीजिए डिवाइन को ये मतलब अद्भुत सा वंडरफुल एक्सपीरियंस आपको देने के लिए दोनों हाथ को रब कीजिए पूरा बॉडी में लगाइए नमक को फ्लैश कर देना जला देना जो भी आपको करना है कर देना जला के फ्लैश कर देना बाहर ये कर देना पानी जैसे मैंने बोली हूँ कोई भी जमीन पे या टब में डाल देना ठीक है और जैसे जैसे मैं स्टेप बोली हूँ करना इस वीक का जो होमवर्क है इसके बाद तो हम लोग फिर से ट्विन फ्लेम कोचिंग में जो भी करना वो भी करेंगे क्रिया में चक्रा बैलेंसिंग सब ही करेंगे एन एल पी एफ वो तो अलग बात है इस हफ्ते के लिए आप लोगों को थ्री स्टेप ब्रीदिंग मस्ट हो हो पोनो पोनो प्रेयर मस्ट ठीक है आपको करना है ठीक है ये बात है আচ্ছা আমি ওইগুলো ডায়েরির মধ্যে লিখেছিলাম। ডাইরি লিভ করব? ডাইরিতে লিখে ডাই ডাইরিতে লিখেছিলাম ডাইরির পাতাটা কি তুমি কি জ্বালিয়ে দেবো? হ্যাঁ। ঠিক আছে। বলছি যে আমি ডাইরিতে লিখেছিলাম হ্যাঁ 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 ডাই ডাইরির পাতাটা কেটে জ্বালিয়ে দেবো তো? আচ্ছা। রাইট। ঠিক আছে। সল্ট উইথ পেপারটা কি ম্যাম বার্ন করে দিব রাইট? यस। বার্ন করে ফ্ল্যাশ बाहर फेंक मतलब जला उसको पानी से बह जा बह बस बाय रश्मि दी गुड नाइट बाय गुड नाइट गुड नाइट मैम गुड नाइट गुड नाइट थैंक यू मैम गुड नाइट थैंक यू लवली क्लास मैम गुड नाइट दी थैंक यू थैंक यू दी गुड नाइट दी हां यस जब ब्रीथिंग साइज करते हैं तो क्योंकि हम हम तब भी ध्यान है, लगाते हैं थर्ड आई पे आ? ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सिर्फ सांसों में ध्यान लगाना है थर्ड आइट सा ये आप नहीं, लोग नहीं, बहुत नहीं। कुछ आपको बहुत कुछ सिखाई दिया जाएगा अब कुछ अभी स्टार्ट ही है आपको बहुत कुछ टेरोस क्लास में यार ये ट्विन फ्लेम कोचिंग में बहुत सीख जाएंगे आप कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए जो आज सीखा गया है वो उसके ऊपर तो, मैम जो ये जो ये कार्ड है इनको चार्ज भी करना पड़ता है कल क्लास है कल या परसों से भी वो क्लास है मैं सिखाऊंगी मैं वो करूंगी मैं आप लोगों को इनिशिएट करूंगी ना टेरो में मैम तो मैं मैं इस... तब तक हम यूज़ कर सकते हैं ना उसको, उसको दीजिए हाँ. हाँ. मैं, मैं तो क्या, क्या प्रॉब्लम है कनेक्शन वेज, वेज नहीं है नहीं ये तो नहीं ना बस यही तो नहीं है मैनिफेस्टेशन यहां से होता है अगर माइंड के अंदर फ्रेशनेस है वो कुछ पूछ भी खाइए कुछ नहीं होगा और कार्ड नहीं है तो आप शाकाहारी भोजन करके भी ठीक नहीं रहे नहीं नहीं, नहीं 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 सकते तो नहीं मतलब कि कार्ड्स वो हमारे तो मेरे तो भी यहाँ पे ना बच्चे सब लोग खाते हैं तो हो जाता है एकदम जब हाथ देंगे जैसे भगवान को छूड़ेगी एनर्जी होना चाहिए राम राम जी ज़्यादा मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट ज़्यादा बात मत कीजिए मैनिफेस्टेशन कब करेगा मैम मिको जी मैम रिकॉर्डिंग मैम आज की की पावो हाँ 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 मिलेगा रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम इसको बुझा दूं क्या खुद ही क्या इसको बुझा दूं

Okay. Thank, thank, you. thank you. Ah, thank you.